So in this chapter we are going to study the complete summary, even the brief summary, the message and the question answers as well. Clear? I will tell you the important questions of this chapter. So let's see what is there in the chapter. तो सबसे पहले गाइस हमारा आता है ब्रीफ समरी. तो ब्रीफ समरी का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट समरी आपको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर शॉर्टली है क्या. तो इस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर है जो कि एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है. और जो लेंचो है उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि रेन होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक फार्मर जो होता है उसके लिए रेन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो लेंचो को पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन होती है कि रेन होगी और उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी. और ऐसी फसल जिसने अभी तक तो कुछ उसे दिया नहीं है, लेकिन उसे पूरी पूरी होप है कि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी. लेकिन होता क्या है, बारिश तो आती है, साथ में हेल स्टॉर्म आ जाता है और उसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. फिर उसे होप होती है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, तो उस फेथ के चलते वो गॉड को लेटर लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है. और एट लास्ट उसकी जो हेल्प है वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो करते हैं. लेकिन उसे ये लगता है कि गॉड ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है, हालांकि उसे पूरे पैसे नहीं मिल पाते. तो उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्होंने ही उन पैसों को चुराया था. तो ये ब्रीफ समरी है, आपको शॉर्टली पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है. अब हम बढ़ते हैं कंप्लीट समरी की तरफ कि कंप्लीट समरी क्या है इस चैप्टर की. तो कंप्लीट समरी जो है मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा. मैंने कुछ पॉइंट जो है वो बोर्ड पे लिख रखे हैं और इन पॉइंट्स की मदद से मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या है. और मेरा मानना यह है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, आप उस रजिस्टर में उन चीजों को नोट कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहली चीज गाइस द ओनली हाउस इन द वैली, मतलब कि जो वैली है, जो घाटी है जहां लेंचो रहता है, उसका जो घर है वो एक लौता घर है जो माउंटेन की क्रेस्ट है ऊपर की तरफ, मतलब जो चोटी है उसके पास में उसका घर है जहां पे उसके बच्चे जो हैं कुछ बाहर खेल रहे हैं. और इसके अलावा कुछ बड़े बच्चे जो हैं शायद फार्म में काम कर रहे हैं और उनकी जो वाइफ होंगी वो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, और होप फॉर रेन, जो रेन है उसकी होप करता है लेंचो, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो फील्ड्स हैं उनको बैडली एक डाउनपोर की, मतलब एक रेन की, एक शार की जरूरत है. तो वो होप कर रहा है कि काश बारिश हो जाए. इतने में उसे सामने की तरफ बादल आते हुए दिखाई देते हैं, जो क्लाउड्स है वो अप्रोच होते हुए दिखाई देते हैं. तो उसे थोड़ी सी खुशी फील होती है कि हाँ चलो यार बादल आ रहे हैं, इट मींस बारिश स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स वर प्रिडिक्टेड. तो अब यहाँ पे होता क्या है कि वो रेन ड्रॉप्स को प्रिडिक्ट करता है, बारिश होने लग जाती है और जो पहली बूंद होती है बारिश की जब वो अपनी अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे फील करता है, तो उसकी जो खुशी है उसका बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता. लेकिन उसने सोचा नहीं होता कि ये खुशी जो है वो बहुत ही जल्द सैडनेस में चेंज हो जाएगी, बहुत ही जल्द उसके दुख में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो बारिश है वो एक हेल स्टॉर्म में, एक ओले के तूफान में बदलने वाली थी. उसके बाद क्या होता है, वो कंपैरिजन करता है उस रेन ड्रॉप्स का कॉइन से, कंपैरिजन विद कॉइन्स, कि वो क्या करता है रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन कॉइन्स के साथ करता है. जैसे कि जो बिग रेन ड्रॉप्स होती हैं उनका कंपैरिजन वो 10 सेंट कॉइन से करता है. ठीक है, अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस के अंदर डॉलर होता है एंड देयर इज वन मोर थिंग, वन मोर एलिमेंट एज अ करेंसी, दैट इज सेंट. इसके अलावा भी हो सकता है, तो यहाँ पे सेंट यूएस की करेंसी है. ठीक है, तो 10 सेंट से वो बिग ड्रॉप्स को कंपेयर करता है और जो स्मॉल ड्रॉप्स होती है उनको वो 5 सेंट से कंपेयर करता है. ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बारिश उसके लिए अच्छी हार्वेस्ट, मतलब फसल लेके आएगी, और अच्छी फसल उसके लिए अच्छा पैसा लेके आएगी जिससे उसका सर्वाइवल होगा. तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो बारिश है वो उनकी बूंदों को कंपेयर करता है किससे, कॉइन से. ठीक है, अब सिल्वर कॉइन्स. अब जैसे ही ओले बरसने लग जाते हैं तो लेंचो सोचता है कि कहीं ये सिल्वर कॉइन्स तो नहीं है, लेकिन ये सिल्वर कॉइन्स नहीं थे बल्कि ये उसकी बर्बादी के कॉइन्स थे. इट मींस जो फसल थी उसकी बर्बादी के कॉइन्स थे, ये हेलस्टोन्स होते हैं. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ स्टॉर्म विद अ प्लैगी ऑफ लॉकस्ट. अब होता क्या है कि जब बारिश होती है और ओले बरसने लग जाते हैं तो लेंचो को फील होता है कि अगर ये ओले जो है वो जल्दी खत्म नहीं हुए बरसना, तो मेरी जो फसल है उसका पता नहीं क्या हाल होगा. और जो बारिश होती है वो होते रहती है, जो हेल स्टॉर्म है वो चलते रहता है, इवन ओले भी बरसते रहते हैं. और जो पूरी की पूरी वैली है ऐसा लगता है कि एक वाइट शीट से कवर है जो कि हेल स्टॉर्म की वजह से होता है. इवन उसकी जो पूरी की पूरी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. और वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अगर एक प्लेगी ऑफ लॉकस्ट भी आया होता ना, लॉकस्ट एक इंसेक्ट होता है, अगर उसका भी ग्रुप आया होता तो शायद मेरी फसल में कुछ तो बच जाता, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं बचा है फसल के अंदर. ठीक है, तो वो कंपैरिजन करता है स्टॉर्म का प्लेगी ऑफ लॉकस से, फिर ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ठीक है, अब जो लेंचो था वो बहुत ही ज्यादा डिजेक्टेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट था इस फसल पे. अब ये फसल भी खराब हो गई और उसके पास खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं है. अब उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो इस फसल को फिर से प्लांट करे और उसके बाद फिर वो जब तक फसल होनी जाती है तब तक सर्वाइव करे अपनी फैमिली के साथ. तो उसे फील होता है कि कहीं मैं और मेरी फैमिली इस साल मर ना जाए. और आपको तो पता ही है कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कितनी ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं. तो लेंचो के मन में भी ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं. ठीक है, लेकिन उसे ये पता होता है कि कोई भी इंसान भूख से तो नहीं मरता, भगवान जो है वो सब कुछ देखता है, उसने जरूर मेरी फसल को भी बर्बाद होते हुए देखा होगा और भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे. तो बेशक वो एक एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बहुत मेहनती था, लेकिन स्टिल वो लिटरेट था, उसे लिखना पढ़ना आता था. इसीलिए लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा और वो लेटर किसको लिखेगा, गॉड को लिखेगा. और उस गॉड को लेटर जो वो लिखता है उसके अंदर वो मेंशन करता है कि गॉड मेरी जो फसल है बर्बाद हो गई है, हेल स्टॉर्म की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल मर जाएंगे, तो प्लीज आप मुझे हेल्प करिए. और वो क्या करता है, वो गॉड से 100 पेसोस मांगता है. यहाँ पे
ऐसे तो सेंट मैंने आपको बता दिया कि यूएस करेंसी में हम कंसिडर कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम पेसोस की बात करें तो पेसोस भी एक करेंसी है. यू मस्ट सर्च ऑन गूगल एंड फाइंड आउट कि पेसोस जो है वो कहाँ की करेंसी है. ठीक है, तो वो 100 पेसोस मांगता है किससे? भगवान से. और वो 100 पेसोस इसलिए मांगता है ताकि वो अपनी फसल को फिर से रीहार्वेस्ट कर सके और उसके बाद अपना सर्वाइवल कर सके जब तक की फसल नहीं आ जाती है. ठीक है, फेथ ऑन गॉड, तो उसे भगवान पे फेथ था इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था और भगवान से पैसे मांगे थे. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये है रिसीव्ड बाय पोस्टमैन. तो यहाँ पे दो लोग हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक पोस्टमैन है और एक पोस्टमास्टर है. तो ये जो लेटर है ये पोस्टमैन रिसीव करता है और पोस्टमैन जो था उस पोस्ट ऑफिस का, उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसा एड्रेस नहीं देखा था. उसे समझ नहीं आता कि मैं कहां पे डिलीवर करूं इस लेटर को. ठीक है, भगवान पे कैसे करूं मैं डिलीवर. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पोस्टमास्टर है उसके पास पोस्टमैन जाता है और उसको दिखाता है इस लेटर को. और पोस्टमास्टर जो होता है वो बहुत ही जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है और जैसे ही वो देखता है उस लेटर को तो वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है कि कैसे एक भगवान जो है, सॉरी, कैसे एक पर्सन जो है वो भगवान को लेटर लिख सकता है. तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा हंसता है लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और सीरियस होने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये इंसान कितना ज्यादा फेथ रखता है भगवान पे, इसे कितना ज्यादा भरोसा है और अगर उसे रिप्लाई नहीं मिला तो भगवान पे जो उसका जितना भी भरोसा है वो सब टूट जाएगा. तो उस टाइम पे उसका जो फेथ है भगवान से टूटे ना, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं इस लेटर को रिप्लाई करूंगा. लेकिन गाइस, लेटर को रिप्लाई करने के लिए उसे सिर्फ एक गुड विल की जरूरत नहीं थी, मोर देन दैट ही नीडेड समथिंग और वो थे पैसे. ठीक है, तो वहां जाके हो सकता था कि बात शायद अटक जाती लेकिन वो कंट्रीब्यूशन करता है और वो अपने डिसीजन पे एकदम अड़ा रहता है कि मुझे हेल्प करनी है. और वो अपनी एक सैलरी का पार्ट देता है अपने पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज है जो वहाँ काम करते हैं उनसे हेल्प मांगता है और साथ में वो अपने फ्रेंड से, फैमिली से एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ हेल्प मांगता है कंट्रीब्यूशन के लिए. और लगभग कितने पैसे वो भेज पाता है लेंचो को? वो 70 पैसोस भेज पाता है, मतलब मोर देन हाफ हम कह सकते हैं, 50 से ज़्यादा 70 पैसोस भेज पाता है. और वो पोस्टमैन को उस लेटर को देने के लिए बोलता है, किसको? लेंचो को. और वो खुद लेंचो को देखना चाहता था विंडो से और वो देखता है लेंचो को कि भाई एक इंसान जिसको इतना ज़्यादा फेथ है उसकी शक्ल कैसी होगी, कैसा होगा वो इंसान. लेकिन जो पोस्टमास्टर, जो पोस्टमैन है उसके डिलीवर करने के बाद वो रिप्लाई, जब जो लेंचो है उस लेटर को खोलता है और उसके बाद उसमें से पैसे गिनता है तो वो कहीं ना कहीं एकदम इमीडिएटली फिर से एक और लेटर लिखता है और उसकी जो आईब्रोज होती हैं या फ्रोन जो होती है वो काफ़ी क्लोज होती है, जैसे मानो वो थोड़ा सा गुस्से में है या पता नहीं, हो सकता है क्योंकि एक कोल्ड एक्सप्रेशन के लिए ये वर्ड यूज होता है, फ्रोन जो होती है वो थोड़ी क्लोज होती है. सो विद क्लोज फ्रोन वो क्या करता है, लेटर लिखता है और उसके बाद वो पोस्ट कर देता है उसे. और पोस्टमास्टर जो है जब उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है, उसने लिखा है कि भगवान आपने मेरे को जितने मैंने पैसे मांगे थे उसमें से 70 पैसे मुझे मिल गए हैं और मुझे बाकी भी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की. और इस बार प्लीज़ आप मुझे पैसे भेजिएगा लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब कि वो धोखेबाजों की मंडली है. और आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे थे लेकिन मुझे पूरे पैसे मिले नहीं क्योंकि उन्होंने पैसे निकाल लिए. मतलब उसको इतना यकीन नहीं होता कि भगवान गलती कैसे कर सकते हैं, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, भगवान कैसे मुझे 100 की जगह 70 पैसे दे सकते हैं. तो वो 30 पैसे निकाल लिए हैं किसने? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने. तो अपने फेथ के चलते वो कहीं ना कहीं जो लोग जिन्होंने हेल्प की थी उन्हीं को कल्प्रिट भी समझ लेता है, या मैं कहूँ दोषी भी समझ लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये था कंप्लीट समरी. अब कंप्लीट समरी के बाद हम देखते हैं हमारा मैसेज इस चैप्टर के अंदर मैसेज क्या है. तो सामने आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, नो मैटर व्हाट सिचुएशन वन इज इन they should have complete faith in the holy power. मतलब ये मैटर नहीं करता कि कोई इंसान किस सिचुएशन में है, उसे फेथ होना चाहिए एक होली पावर में, डिवाइन पावर के अंदर. मैं गॉड नहीं कहूंगा क्योंकि सबके अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है, तो गॉड, कई लोग गॉड पे एग्जिस्ट नहीं बिलीव नहीं करते उस जगह पे, वो एक पावर पे, एक पॉजिटिव पावर पे बिलीव करते हैं. जहां पे नेगेटिविटी होती है वहां पॉजिटिविटी भी होती है. तो आई मीन कि एक होली पावर है जिसपे हमें फेथ होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो एक हिडन पावर है. अगर हम सपोर्ट चाहते हैं उस पावर का तो हमें मिलता है अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और किसी का गलत नहीं कर रहे. तो कहीं ना कहीं हमें उस पर फेथ होना चाहिए. तो गाइस, अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर के. इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए. तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चंस ही हैं, वही आपको प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर से. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस ये है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड. मतलब जो लेंचो है वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स से कंपेयर क्यों करता है. व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद कॉइन्स. तो ये भी आपको पता होगा. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो पोस्टमास्टर है वो लेटर को देख के किस तरीके से रिएक्ट करता है. हाउ डिड द पोस्टमास्टर रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग या आफ्टर सीइंग द लेटर. तो ये आपको पता होना चाहिए. और चौथा क्वेश्चन लास्ट में ये है कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स. मतलब कि जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को एक बंच ऑफ क्रुक्स क्यों बोलता है, मतलब धोखेबाजों की मंडली जो है वो क्यों बोलता है. सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा है ब्रीफ समरी. तो ये चैप्टर किस चीज के बारे में लिखा है, द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द स्पीच गिवन बाय नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट देयर. मतलब कि जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की स्पीच के ऊपर बेस्ड है. और कौन सी स्पीच? जो उन्होंने इनॉग्रेशन पे दी थी. इनॉग्रेशन का मतलब होता है ओपनिंग सेरेमनी. जो किसकी थी? जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी साउथ अफ्रीका में,
उसकी, ठीक है, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी वो एक रेशियल गवर्नमेंट थी जो कि रेशियली डिस्क्रिमिनेशन करती थी ब्लैक्स के और व्हाइट्स के बीच में। ब्लैक्स मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स की बात हो रही है। तो पहले गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लैक्स थे उनको काफी सारी राइट्स से दूर रखा करते थे, उनको काफी सारी राइट्स नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो नेल्सन मंडेला बने थे, ठीक है, 1994 में। अब हम पढ़ते हैं कंप्लीट समरी के बारे में। देखिए कंप्लीट समरी में भी अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की खास तौर पर, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज को स्टडी करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, और मैं आपको ये सीरीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहा हूं 10th क्लास इंग्लिश के लिए। तो मैं आपको कंप्लीट समरी में भी सबसे ज्यादा वही पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है वेन्यू ऑफ द सेरेमनी, मतलब जो सेरेमनी थी वो कहाँ हुई थी। तो वो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया में हुई थी, एम्फी थिएटर में, जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो ये वेन्यू था उस प्लेस का जहाँ पे वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी साउथ अफ्रीका में। दूसरे पॉइंट में मैंने दो लोगों का नाम लिखा है जिसमें एक है थाबो मैपकी और दूसरे हैं मिस्टर डी क्लर्क। ये दोनों के दोनों लोग कौन हैं? नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद जो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो थाबो मैपकी थे और जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर डी क्लर्क थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्मी का मतलब ये है कि जब ये सेरेमनी हो रही थी तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि किस तरीके से उनको काफी ज्यादा प्राउड फील होता है जब वो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री की लॉयलिटी जो है वो अपने प्रति देखते हैं, अपनी कंट्री के प्रति देखते हैं, डेमोक्रेसी के प्रति देखते हैं, लोकतंत्र के प्रति देखते हैं, जहां पे आपके जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी जो आर्मी थी। तो एक प्राउड मोमेंट था हर एक साउथ अफ्रीकन सिटीजन के लिए कि उनकी कंट्री की जो आर्मी है वो उनके प्रति कितनी ज्यादा लॉयल है, ठीक है। उसके बाद आयरनी ऑफ मिलिट्री का मतलब यहाँ पे क्या है? आयरनी ऑफ मिलिट्री का मतलब है कि नेल्सन मंडेला ने यह बात बोली है कि जो आर्मी आज हमें सल्यूट कर रही है वो कुछ टाइम पहले तक हमें आउटलॉज समझ रही थी। आउटलॉज मतलब कि वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं और वो हमें अरेस्ट करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला पहले एक फ्रीडम फाइटर थे, उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश रूल था तो नेल्सन मंडेला वॉज अ आउटलॉड, इट मीन्स कि वो क्रिमिनल थे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स को कॉलोनाइजेशन के टाइम पे एक क्रिमिनल माना जाता था। जैसे यहाँ पे भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो इनको जेल में भी डाल दिया जाता था जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ किया करते थे। तो आयरनी ऑफ मिलिट्री आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है टू नेशनल एंथम्स। तो उस दिन दो नेशनल एंथम्स गाई गई थी। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि दो नेशनल एंथम्स क्यों गाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए दो नेशनल एंथम कौन सी थी। एक तो निकोसिस क्लेल अफ्रीका, ठीक है, ये वो नेशनल एंथम थी जो वाइट्स के रूल के टाइम पे गाई जाती थी, और एक पुरानी नेशनल एंथम थी जब कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था, ये ओल्ड एंथम थी जो थी डायस्टम। तो जो डायस्टम थी वो गाई गई थी और इसके अलावा निकोसिस क्लेल अफ्रीका भी गाई गई थी, क्योंकि दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ये सब कुछ हो रहा था और दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट पे करने के लिए। इट मीन्स इंग्लैंड हो गया आपका जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटेन जो है उसको, और जो आपका ये साउथ अफ्रीका है उसकी जो ओल्ड एंथम है उसके थ्रू साउथ अफ्रीका को रिस्पेक्ट पे करने के लिए दोनों की दोनों नेशनल एंथम्स को गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस पॉलिसी ऑफ अपाथी। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिसी ऑफ अपाथी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिसी ऑफ अपाथी एक पॉलिसी थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके तहत जो ब्लैक्स थे उनको काफी सारी राइट्स से दूर कर दिया जाता था, उनको काफी सारी राइट्स नहीं दी जाती थी, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो गई, और भी काफी सारी चीजें हैं जिससे उनको दूर रखा जाता था और उनको ये सारी राइट्स नहीं मिलती थी। तो पॉलिसी ऑफ अपाथी जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन पर एक डीप लास्टिंग बाउंड थी, एक कभी ना भरने वाला घाव थी, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ अपाथी आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज, मतलब नेल्सन मंडेला ने ये बात बताई है कि जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके लिए जो फ्रीडम है उसका जो मतलब था वो चेंज हो गया। उनका मानना था कि बचपन से ही वो फ्री थे हर एक चीज के लिए, जैसे कि फील्ड्स में दौड़ने के लिए, बुल्स पे राइड करने के लिए, जो स्टार्स हैं उसके नीचे लेटने के लिए, मतलब इन सारी चीजों के लिए वो फ्री थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके लिए जो फ्रीडम है उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया, स्लोली ग्रेजुअली वो चेंज हो गया। आगे आने वाले टाइम के अंदर उनके लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो उनके लोगों की फ्रीडम थी, उनकी फ्रीडम थी, उनके लोगों की फ्रीडम थी, उनकी पूरी कंट्री की फ्रीडम थी। पहले उनकी फ्रीडम ही सिर्फ उनकी फ्रीडम थी जो वो आसानी से कर पाते थे, लेकिन बाद में उनकी कंट्री के लोगों की जो फ्रीडम है, उनकी कंट्री की जो फ्रीडम है वो उनकी फ्रीडम बन चुकी थी जिसे उन्हें वापस हासिल करना था, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ऑब्लिगेशन ऑफ मैन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला ने यहां पे दो चीजों की बात की है कि एक इंसान जो होता है उसके दो कर्तव्य होते हैं, तो एक कर्तव्य तो होता है अपने देश के प्रति और दूसरा होता है अपनी फैमिली के प्रति। नेल्सन मंडेला ने यह भी बोला है कि अगर हम अपने देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको निभा पाते हैं तो हम अपनी फैमिली के प्रति इतने अच्छे से नहीं कर पाते, और अगर हम अपनी फैमिली के प्रति कर पाते हैं तो देश के प्रति नहीं कर पाते। आप खुद देखो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो बहुत ही ज्यादा निभाते हैं, तो क्या अपनी फैमिली के साथ वो इतना टाइम स्पेंड कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो वही चीज है कि अगर आप फैमिली के साथ रहोगे और अपने सुख भोगने की कोशिश करोगे तो देश के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते कई सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने एक ही बात कही है कि ऑब्लिगेशंस मतलब दो तरीके के ऑब्लिगेशंस कर्तव्य हैं एक इंसान के, एक देश के प्रति
एक फैमिली के प्रति हमें दोनों को निभाने की कोशिश करनी है, लेकिन फैक्ट ये है कि एक को ही हम ज्यादा अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस। तो नेल्सन मंडेला ने एक और बात कही है कि चाहे कोई भी इंसान कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत गुडनेस होती है। जैसे उन्होंने बताया है कि जब हमें पुश किया गया था हमारी लिमिट्स तक और हमें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था जेल के अंदर, तो मैंने कुछ गार्ड्स ऐसे थे जिनके दिल में कहीं ना कहीं एक अच्छाई देखी थी, जो हमारे को लेकर सिंपथी रखते थे, सहानुभूति रखते थे, और शायद उनके अंदर हमारे लिए एक अच्छी भावना थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्रेसर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्रेसर का मतलब होता है जो पीड़ा देता है, ठीक है, जो पर्सन किसी को विक्टिम बनाता है। और ऑप्रेस्ड हम किसे कहते हैं, जो ऑप्रेस्ड होता है, जिसको जो पीड़ित होता है, जिसके साथ बुरा किया जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों के दोनों जो लोग हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो देखा जाए तो ये ऑप्रेसर जो है ये भी एक प्रिजनर है और ये भी एक प्रिजनर है। अगर हम ऑप्रेस्ड की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रिजनर ऑफ बार्स, इसकी फ्रीडम ले ली गई है, ये चार दीवारी में कैद है, ठीक है। और ये क्या है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो नफरत है ये उसका एक कैदी है। क्यों? क्योंकि ये जब इसको सताता है तो इसकी जो नफरत है इसका पात्र ऑपरेसर बन जाता है। तो ऑपरेसर प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है और ये प्रिजनर ऑफ बार्स है, जहां पे इसकी फ्रीडम छीन ली गई है। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इस चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, और उनको आप एक बार अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं जो नीचे गिवन है, मैं देख लूंगा एक बार चेक करके कैसा क्या किया है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां हुई थी, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में जो एम्फी थिएटर है जो सैंडस्टोन से बना हुआ है वो। दूसरा, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम संग दैट डे, तो ये भी आपको पता है क्यों, और एक बार फिर से रिव्यू करके देख लेना। तीसरा, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपाथी, पॉलिसी ऑफ अपाथी क्या थी ये भी बता दिया। चौथा, व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस ऑफ अ मैन या ह्यूमन बीइंग, तो ये भी बता दिया। और पांचवा, सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट, मतलब ऑपरेसर और ऑपरेस्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ब्रीफ समरी जो है मैंने सामने लिखी है, बहुत छोटी सी है, इससे हम समझ जाएंगे चैप्टर किस चीज के बारे में। मैंने लिखा है हाउ अ यंग सीगल फाइनली फ्लाइज हाई इन द स्काई एंड ओवरकम इट्स फियर, मतलब कि कैसे एक यंग सीगल जो है वो फाइनली स्काई में उड़ने लग जाता है और जो उसका फियर था ना उड़ने का या फिर गिरने का खाई में, वो कहीं ना कहीं वो ओवरकम कर लेता है, वो उस पर विक्ट्री हासिल कर लेता है। उसे डर लगता था उड़ने से, लेकिन फाइनली जब वो उड़ पाता है तो उसका जो डर है वो उस पर जीत हासिल कर लेता है। अब कंप्लीट समरी के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ जिनके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो ये वीडियोस हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एग्जाम में चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली 95% जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसी के बेसिस पे मैंने समरी क्रिएट की है। तो अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो आप खुद कर सकते हो चैप्टर को रीड करके, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, सबसे पहला पॉइंट, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब जो यंग सीगल है, यंग सीगल मतलब एक बेसिकली एक बर्ड है, द सीगल इज अ बर्ड जो कि सी और कोस्टल एरिया के आसपास पाई जाती है, ठीक है, जो समुद्र के तट का इलाका होता है। तो जो यंग सीगल होता है वो अकेला होता है अपने लेज पे। बेसिकली लेज क्या होता है, लेज एक प्लेस होती है कोई भी एक माउंटेन या हिली एरिया जो होता है उसके नीचे की तरफ जो थोड़ा सा भी पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जहां पे जो बर्ड्स है वो अपना घोंसला बना लेते हैं रहने के लिए, उस जगह को हम क्या कहते हैं, लेज कहते हैं। तो यंग सीगल जो है वो अलोन है अपने लेज पे और उसे उड़ने से डर लगता है, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ही रन्स एंड देन स्टॉप्स। कई बार उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे प्रोवोक करते हैं, परसुएट करते हैं कि तुम्हें उड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो उस टाइम पे वो कोशिश करता है, वो भागने की कोशिश करता है लेज पे से, एक रनवे की तरह वो भागता है, लेकिन जैसे ही वो लेज के एज पे आ जाता है तो वो डर जाता है और वो वापस टर्न हो जाता है पीछे की तरफ। तो लिखा है ही रन्स एंड देन स्टॉप्स एंड कम्स बैक, ठीक है। स्कोल्डिंग ऑफ पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसे डांटते हैं कि भाई तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो और तुम कोशिश करो, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, यू शुड गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं फिर भी वो मानता नहीं है, तो पनिशमेंट ही फेस्ड। उसको क्या पनिशमेंट मिलती है, 24 आवर्स हो चुके हैं और उसके पेरेंट्स जो है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं आए हैं, वो उसके जो भाई बहन हैं उनको आर्ट ऑफ स्विमिंग के अंदर और ज्यादा फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डाइविंग करना सिखा रहे हैं और जितनी भी चीजें हैं वो सिखा रहे हैं उसके पेरेंट्स, मतलब उसके मदर और फादर, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया, 24 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, इग्नोरिंग हिम, तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं, किसको इग्नोर कर रहे हैं, यंग सीगल को इग्नोर कर रहे हैं, और 24 आवर्स से उसने कुछ खाया नहीं है, वो बहुत टायर्ड है, भूखा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जैसे बेसिकली पेरेंट्स करते हैं जब इग्नोर करते हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, तो वो भी क्या करता है, ड्रामेबाजी करता है, ही सीक्स अटेंशन। तो वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन लेने के लिए क्या करता है, जो अपना एक पैर है उसको हवा में छुपा लेता है, ठीक है। दूसरा, अपनी एक अपनी जो आंखें हैं उनको वो क्लोज कर लेता है, तो आंखों को क्लोज करता है, एक फीट को वो छुपा लेता है ताकि उसके पेरेंट्स जो है उस पर ध्यान दें, ठीक है। अब मदर नोटिसेस, तो जो मदर होती है वो उसकी उसे नोटिस कर लेती है और वो देखती है कि वो क्या कर रहा है। इतने में उसे लगता है कि उसकी जो ये उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है, जब उसकी मदर उसके पास आती है और उनके बीक में उनके चोंच में एक फिश का स्क्रैप होता है, एक टुकड़ा होता है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो वो काफी ज्यादा खुशी से चिल्लाता है कि स्क्रीम्स स्टार्ट शाउटिंग, कि भाई चलो मदर आ गई, मुझे कुछ खाने को मिलेगा।
अब इसके बाद क्या होता है, द साइट ऑफ फूड मैटर्ड हिम, मतलब जो खाने का वो साइट था वो उसे पागल कर देता है, और वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसकी मदर का एक प्लान है जो कि उसके ऊपर है उसे ये फ्लाइट कराने के लिए, उसे उड़ाने के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी मदर के क्लोज जब वो जाता है तो उसकी मदर थोड़ा और पीछे हो जाती है, एज की तरफ कॉर्नर की तरफ वो थोड़ा और आगे आता है, तो उसकी मदर थोड़ा और पीछे हो जाती है, तो उसे लगता है कि उसकी मदर उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही है। तो वो इस गेम को समझ नहीं पाता, अपनी मदर के प्लान को समझ नहीं पाता, और वो भागते हुए अपनी मदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है, और इतने में उसकी मदर जो है वो फुर ऊपर उड़ जाती है और वो खाई से नीचे गिर जाता है, और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपने विंग्स को फ्लैप करने की जगह पे। और जब वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा होता है तो उसके विंग्स से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहे होते हैं वो, और कहीं ना कहीं वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो काफ़ी नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, कभी उसने इस्तेमाल किया नहीं है, तो वो गिर जाता है और फिर वो उड़ने लग जाता है। बाद में उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो सिबलिंग्स भाई बहन हैं, वो सारे के सारे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, उसके साइड में उड़ रहे होते हैं, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है, और लास्टली वो डाइव लगाता है सी के अंदर, और उसके बाद वो काफ़ी थक जाता है तो वो वापस उड़ने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे वो ट्राई नहीं करता, हालांकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे फिश के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये है हमारा ब्रीफ समरी किस चैप्टर की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल था उसको उड़ने से डर क्यों लगता था। सो द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही यूज टू थिंक दैट इज wings are far shorter than required, which is required for flying. That is why he used to feel afraid of flying. उसे लगता था कि if he tries to fly, he would fall. ठीक है, मतलब अगर वो कोशिश करता है तो वो गिर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम एक्सप्लेन। तो साइट ऑफ फूड मैडन हिम एक्सप्लेन मतलब जो उसकी मदर उसके लिए जो फिश है उसका स्क्रैप लेके आती है, उसको देखने के बाद वो मैडन हो जाता है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उसे ये भी होश नहीं होता कि उसकी मदर किस तरीके से उसे इन्फ्लुएंस कर रही है फ्लाई करने के लिए, तो उसे ये बात समझ में नहीं आती, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हाउ डिड ही फाइनली फ्लाई, तो वही है उसकी मदर का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और फाइनली वो उड़ने लग जाता है और उसका जो फियर है वो ओवरकम कर लेता है। अब मैसेज अगर देखें तो मैसेज क्या है, देयर इज विक्ट्री आफ्टर यू फेस योर फियर। तो गाइस देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है इसके राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, और इसकी ब्रीफ समरी में हमें बताया गया है कि द नरेटर वाज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड होपिंग फॉर अ गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, बट ही हैपेंस टू फेस अ स्टॉर्म वेयर ही फेल्ट ही कुड क्रैश, बट मिस्टीरियसली ही वाज सेव्ड बाय अ स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर का नरेटर है वो हमें बताता है कि किस तरीके से वो इंग्लैंड जा रहा था बैक टू हिज फैमिली, क्योंकि शायद वो इंग्लैंड में रहता है और उसकी फैमिली वहां पे है, और वो फ्रांस से इंग्लैंड ट्रैवल कर रहा है, और रास्ते में वो देखता है कि किस तरीके से एक जो स्टॉर्म है उसे फेस करना पड़ता है, और उसके माइंड में कन्फ्लिक्शन होता है कि वो स्टॉर्म को पार करते हुए जाए अपनी फैमिली से मिले या ना मिले, लेकिन स्टिल वो डिटरमाइंड होता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो वो फाइनली अपनी फैमिली के पास जाता है। तो स्टॉर्म के अंदर उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ऑलमोस्ट वो क्रैश हो सकता था, लेकिन मिस्टीरियसली एक ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है, या फिर मैं कहूँ एक ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उसको बचा लेता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया, ये मैंने ब्रीफली आपको बताया, अगर आप चाहो तो आप अपने रजिस्टर में इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे कंप्लीट समरी की तरफ। तो कंप्लीट समरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर करा रहा हूं, तो इसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट समरी में कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अ पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्लाइज इन द मिडनाइट ओवर पेरिस, इट मींस फ्रांस, टुवर्ड्स इंग्लैंड। मतलब यहां पे जो नरेटर है वो एक पायलट है और वो एक प्लेन उड़ा रहा है जिसका नाम है ओल्ड डकोटा, और इसका जो कोड है वो है DS-088। तो ये फ्रांस से कहां जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, हालांकि यहां पेरिस बोला गया है बट पेरिस फ्रांस में है, तो पेरिस से वो कहां जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड में उसकी फैमिली है, और वहां पे वो क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा खासा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है। आप सोच रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए बताओ जान की भी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है, भाई ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बल्कि उसकी फैमिली के साथ उसका एक अटैचमेंट है, एक लगाव है, शायद काफी टाइम से वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया है, तो आज उसे मौका मिला है तो वो जा रहा है और वो अपनी फैमिली से मिलना भी चाहता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करना चाहता है। ठीक है, दूसरा, ड्रीम ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विद हिज फैमिली। तो उसका ड्रीम है कि भाई चलो आज मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा खासा हॉलीडे स्पेंड करूंगा और साथ में उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करूंगा। तीसरा पॉइंट है, अनफॉर्चुनेटली ही पासेस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। मतलब अब होता क्या है कि सामने रास्ते में उसे क्या दिखता है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म दिखता है, काले बादल दिखाई देते हैं, और इसके माइंड में कन्फ्लिक्शन होता है थॉट्स का कि वो उस स्टॉर्म को पार करते हुए जाए या यहां से वापस पेरिस लौट जाए। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो स्टॉर्म को एंटर नहीं करता और सेफली जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म के ऊपर से निकल के अगर वो जाएगा, तो उस केस में उसके पास इतना भी फ्यूल नहीं है कि वो जा सकता है। तो वो वापस जरूर जा सकता है लेकिन उसके अंदर एक लगाव होता है अपनी फैमिली को लेकर, तो वो खतरा भी मोल ले लेता है, वो रिस्क भी ले लेता है, और वो डायरेक्टली स्टॉर्म में एंटर करता है और वो डिसाइड करता है कि मैं स्टॉर्म को चीरते हुए सीधे पहुंच जाऊंगा और मेरे को किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे अनफॉर्चुनेटली पासेस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कंपस रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न डेड. अब होता क्या है, जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है, मतलब जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर करता है, तो उसका जो जहाज है, उसका जो एरोप्लेन है डैकोटा, वो ट्विस्ट करता है. ठीक है, ट्विस्ट करने का मतलब है थोड़ा सा लड़खड़ाता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है. ठीक है, और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं. उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता अपनी आईज पे. उसका जो कंपस होता है, जो नेविगेशनल डायरेक्शंस बताता है, वो काम करना बंद कर देता है. रेडियो काम करना बंद कर देता है. इवन उसके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काम करना भी बंद कर देते हैं. तो उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता. जैसे कि अगर मैं कंपास की बात करूं, तो उसकी जो नीडल होती है वो राउंड एंड राउंड घूम रही होती है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना. सामने सिर्फ ब्लैकनेस होती है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता. इतने में क्या होता है, जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कहते ना वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो उसके अंदर एक विल थी, तो उसे वो वे मिल जाता है. उसे एकदम से एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है. अब ये स्ट्रेंज बात जो होती है इस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, वो ये होती है कि उसके जो विंग्स होते हैं उस पर लाइट्स नहीं होती. जबकि ये इंस्ट्रक्शन होती है पायलट्स को कि अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो तो रात में जो विंग्स होती हैं उन पर लाइट्स होती हैं. क्लियर, तो उसके विंग्स पे लाइट नहीं होती. वो एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन होता है. जब वो उसे अपने आगे देखता है तो एटलीस्ट उसे थोड़ा सा सिक्योर फील होता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक से भले दो, तो वो अकेला तो उस जगह पे नहीं है. एटलीस्ट इस बात का उसे सेटिस्फेक्शन है कि कोई तो वहां है, शायद हो सकता है कि वो मुझे बचा ले. मुसीबत की घड़ी में उसके अंदर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आता है, पॉजिटिविटी आती है. तो उस टाइम पे ब्लैक एरोप्लेन को जब वो देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे मानो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसी की तरफ देख के इशारा कर रहा है, और उसे इशारा करके बोल रहा है कि तुम मुझे फॉलो करो. और उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. वो एक ऑबिडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे के समान वो क्या करता है, वो उसे फॉलो करने लग जाता है. तो लिखा है फॉलोज लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड बट फ्यूल गॉट एग्जॉस्टेड. काफी देर तक फॉलो करने पे, मतलब शुरू में तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था तो उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका जो फ्यूल था, उसका जो लास्ट फ्यूल टैंक है, उसने उसको स्विच कर लिया था. पहला प्राइमरी वाला खत्म हो गया होगा, तो लास्ट फ्यूल टैंक को उसने स्विच किया था. ठीक है, और फिर उसके बाद अब उसका फ्यूल खत्म होने वाला है, और शायद हार्डली वो 5 या 10 मिनट और उड़ सकता है. तो उसे डर लगने लगता है कि अगर जल्दी हमने लैंड नहीं किया तो मेरा जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा. लेकिन नोटिसेस आर इन वे. इतने में उसे कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं सामने. वो एक रनवे होता है, वहां पे एक एयरपोर्ट है, और वो बच जाता है और वो सेफली लैंड करता है. लेकिन अजीबोगरीब बात ये होती है कि जब वो पहुंचता है कंट्रोल रूम के अंदर, पहली चीज तो एक ये ध्यान रखना कि जैसे ही वो लैंड करता है और डैकोटा से दूर जा रहा होता है, तो उसने एक लाइन बोली है कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा. मतलब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं रहा डैकोटा से दूर जाते हुए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर भी और अंदर होता तो शायद मैं भगवान को प्यारा हो जाता. तो वहां से जाता है और कंट्रोल रूम में जाके वो उस लेडी से, मतलब जो वहां बैठी हुई है वुमेन, उसे पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है और उसका पायलट कहाँ है. मुझे उसे थैंक यू बोलना है, मुझे उसने बचाया है. तो वो लेडी जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली उसकी तरफ देखती है, क्योंकि वो उसे यही बोलती है कि उस क्लाउड्स में, मतलब उस स्टॉर्म के अंदर कोई दूसरा एरोप्लेन वहां पे नहीं था, वो सिर्फ तुम थे जो मैं जिसको मैं अपने रडार पे, मतलब यहां पे देख सकती थी. इट मींस जो कंट्रोल रूम होते हैं वहाँ पे कुछ रेडार्स होते हैं, जिसके अंदर जो वेरिएशंस हैं उनके थ्रू, जो आपके रेडिएशंस हैं उनके थ्रू, जो आसपास के एरिया में जितने भी प्लेन्स हैं वो उनको पता चल जाते हैं. तो उसको सिर्फ और सिर्फ राइटर का, इट मींस नैरेटर का जो प्लेन है वो वहाँ पे दिखाई देता है, कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं होता. तो वो काफी शॉक हो जाता है इस बात से. तो वो सोचता है कि मैं बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और बिना जरूरी इंस्ट्रूमेंट के, और ना इनफ फ्यूल के, कैसे सेफली यहाँ पे लैंड कर सकता हूँ अगर वहाँ कोई नहीं था. तो क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी, मैं कैसे बचा, हाउ आई वॉज एबल टू गेट सेव. तो उसे कुछ समझ नहीं आता. तो कंफ्यूज्ड वुमेन एंड नैरेटर इन कंट्रोल रूम. तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ. तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क. व्हाट इज दैट रिस्क द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, व्हाई डज द नैरेटर टेक इट. ठीक है, तो नैरेटर किस रिस्क की बात कर रहा है और वो उसे क्यों लेता है. ठीक है, और कौन सा रिस्क है ये, तो वही जो स्टॉर्म में एंटर करने वाला जो रिस्क था वो उसकी बात कर रहा है. ठीक है, और वो क्यों लेता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है. दूसरा है कि नैरेटर के एक्सपीरियंस को बताना है जब वो एरोप्लेन में स्टॉर्म के अंदर एंटर करता है. तो गाइस कंपास काम करना बंद कर देता है, रेडियो काम करना उसका बंद कर देता है. तो ये सारी की सारी चीजें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जरूरी एरोप्लेन के अंदर, वो काम करना बंद कर देते हैं. तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है. इवन जो प्लेन है वो ट्विस्ट होता है, स्टॉर्म के अंदर ब्लैकनेस होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता. तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ये सब हमें मेंशन करना होगा. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं. तो 4 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हालांकि अगर आप नोट्स लेते हैं तो उसके अंदर और भी काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चन एंड के आंसर्स मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें मिलेंगी. तो आप वो कंप्लीट पैकेज जो है वो हमसे परचेज कर सकते हैं. आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉस्ट नोट की सिर्फ 50 रुपीज है. ठीक है, तो पहला है कंपास. कंपास क्या होता है, एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, जैसे हम फोन से नेविगेशन कहते हैं करते हैं, वैसे ही कंपास प्लेन्स में होता है, जिसकी मदद से हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं. दूसरा ट्विस्ट का मतलब होता है कर्व डायरेक्शन में टर्न लेना, मतलब कर्व करके किसी डायरेक्शन में टर्न लेना. जैसे फॉर एग्जांपल सीधा जा रहा है तो ट्विस्ट हो गया, तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा. ठीक है, रनवे का मतलब है लार्ज रोज टू लैंड फ्लाइट्स, मतलब जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उड़ती है या लैंड करती है, तो उसके लिए रनवे होता है आपका एयरपोर्ट पे. और रडार क्या होता है, एक सिस्टम होता है दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ समथिंग यू कैन नॉट सी. मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है रेडियो का जिससे हम वेव्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं आसपास कोई ऐसी चीज जिसको हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इसके थ्रू फाइंड आउट होती है. तो वो कंट्रोल रूम में भी था, और शायद हो सकता है कि जो रडार था वो उसके पास भी था. क्या नाम है, क्या कहते हैं, नरेटर के पास. सबसे पहले हम समझते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो चैप्टर है हमारा 10th क्लास इंग्लिश का, इसकी ब्रीफ समरी क्या है, मतलब इसमें ओवरऑल चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है. ठीक है,
तो चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीरीज ऑफ डायरी एंट्रीज रिकॉर्डेड बाय एनी फ्रैंक. मतलब ये चैप्टर जो है वो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि डायरी एंट्रीज जो लिखी गई थी, कुछ डायरीज एंट्रीज जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी एनी फ्रैंक के द्वारा. एनी फ्रैंक इसकी राइटर है, तो उसने कुछ डायरी एंट्री रिकॉर्ड की थी अपनी जब हॉलैंड था वो ऑक्यूपाइड था नाजी रूल से. मतलब जो नाजी है जर्मनी में, नाजी शासन था, ठीक है. तो जो नाजी थे उन्होंने जब हॉलैंड को कैप्चर कर लिया था, पहले जर्मनी में था, फिर हॉलैंड को कैप्चर किया, आसपास काफी जगहों को कैप्चर किया. तो जब हॉलैंड को कैप्चर किया उस टाइम वो हॉलैंड में थी, तो उसने वहां डायरी एंट्रीज लिखी थी. लेकिन मैं आपको बता दूं कि हॉलैंड ही नहीं बल्कि जब वो जर्मनी में थी तो उस टाइम पे भी वो ये डायरी एंट्रीज लिख रही थी, और उसने ये लिखना स्टार्ट कर दिया था तब से जब से उसे एज अ डायरी एक डायरी जो थी वो एज अ गिफ्ट मिली थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर्स की थी. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था. तो बिफोर गोइंग टू सीक्रेट एनेक्स, मतलब सीक्रेट एनेक्स एक प्लेस थी हॉलैंड में जब वो लोग नाजी ने ऑक्यूपाई कर लिया था हॉलैंड को, तो वो ज्यूस थे, जैविश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जो नाजी थे उन्होंने काफी ज्यादा क्या करा था, कड़े कानून बनाए थे ज्यूस लोगों के लिए, और इसीलिए वो जर्मनी से इमिग्रेट करके हॉलैंड गए थे. लेकिन हॉलैंड को भी कैप्चर कर लिया तो उस टाइम पे उन्हें छुप के रहना पड़ता था, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारे को इस चैप्टर में बताया गया है वो बताया गया है बेसिकली किसके बारे में, जर्मनी के बारे में, कि जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जर्मनी में थी तो वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करती थी, मतलब सीक्रेट एनेक्स में जाने से पहले, मतलब हॉलैंड जाने से भी पहले की बातें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कंप्लीट समरी की, इस चैप्टर की कंप्लीट समरी क्या है. और ये चैप्टर पूरा का पूरा मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक को भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, कुछ एडिशनल चीजें भी आपको वहां मिल जाएंगी. तो सबसे पहले राइटिंग इन डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. तो ये डायरी कब मिली थी उसे, अपने 13th बर्थडे पे मिली थी, और इसके फादर ने इसको गिफ्ट की थी. इसके फादर का नाम मिस्टर ऑटो फ्रैंक है, तो उन्होंने ये डायरी इसको गिफ्ट की थी. तो ये कहती है कि राइटिंग इन डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मतलब डायरी में लिखना इसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. ऐसा इसलिए नहीं है कि ये पहली बार कुछ लिख रही है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे ये फील होता है कि पता नहीं कोई मेरे जैसे बच्चे के या फिर मेरी जैसे टीनेज गर्ल के म्यूजिंग्स में, मतलब थॉट्स में कोई इंटरेस्ट रखेगा आगे जाके, कभी पढ़ेगा. लेकिन इसे क्या पता था कि ये जो डायरी है ये एक बेस्ट सेलर बन जाएगी आने वाले टाइम पे इसकी डेथ के बाद. तो बिल्कुल सही कहा मैंने, इसकी डेथ हो जाती है एक टाइम पे. अगर आप पढ़ोगे तो इनकी नॉवल है जो कि इन्हीं के लेटर से इंस्पायर्ड होकर इनके फादर ने पब्लिश कराई थी, क्योंकि ये इनकी इच्छा थी. इनका नाम है मिस एनी फ्रैंक, ठीक है. और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने लिखी है एक तरीके से, इनके जो डायरी एंट्रीज हैं उनके थ्रू, वो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल. तो आप इसको पढ़िएगा, पहले 10th क्लास इंग्लिश के नॉवल में भी ये थी, बट अब ये हट चुकी है सिलेबस से, तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. राइटिंग इन डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, क्योंकि इसे लगता था पता नहीं कौन पढ़ेगा मेरी डायरी, कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, किसी का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा. दूसरा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. इसका ये मानना भी था कि भाई पेपर जो होते हैं उनमें काफी ज्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन में. आप खुद को देख लीजिए, आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपको ऐसा लगता है अगर आप उसको भी अपना दुखड़ा सुनाने लग जाओगे ना एक टाइम पे, उसको भी उबासी आ जाएगी. Why? क्योंकि कोई भी किसी पर्सन की बातों को सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता जितना बताने में इंटरेस्ट रखता है. इवन आप भी शायद किसी की बातें सुनने में इतना इंटरेस्ट ना रखते हो, लेकिन जो पेपर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है. वो पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपकी बातों को सुन सकते हैं, आप उनको सारी की सारी बातें बता सकते हो. और दूसरी चीज की वो किसी और को भी वो रिवील नहीं करेंगे. जस्ट इमेजिन आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी कोई आपका कोई सीक्रेट है जो आपने उसको ट्रस्ट करके बताया है, किसी को रिवील कर दे तो आप क्या करोगे, या तो थप्पड़ मारोगे या दोस्ती तोड़ दोगे, यही करोगे ना. तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. नेक्स्ट, नीड ऑफ कीपिंग अ डायरी. तो गाइस देखो, सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसके साथ हम अपनी लाइफ के हर एक सीक्रेट को शेयर कर सकते हैं, हर एक बात को शेयर कर सकते हैं. जैसे स्पेशली गर्ल्स जो है वो अपने फादर के साथ हर एक बात शेयर नहीं कर पाती, वो अपनी मदर के साथ शेयर कर सकती हैं. और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो वो मदर के साथ भी नहीं कर पाती है. ऐसी जो एक बॉय होता है वो भी जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर के साथ हर एक प्रॉब्लम शेयर करेगा. तो कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता है हमारे को, आप समझ ही जाओ किस पार्टनर की बात कर रहा हूं. कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता है हमारे को जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं. तो यहां पे बात हो रही है कि उसने डायरी क्यों लिखी. उसने डायरी इसलिए लिखी क्योंकि उसका मानना है कि उसके फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, रिलेटिव्स, लविंग आंट्स भी हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी लाइफ का हर एक सीक्रेट जो है वो शेयर कर सके. इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था. डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, तो फैमिली के बारे में बताऊं तो चार ही लोग हैं. उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गरेट है, जो उससे 3 साल बड़ी है लगभग. आई थिंक उसका जन्म जो है वो 1926 में हुआ है, और एनी फ्रैंक का जन्म जो है वो 1929 में हुआ है. उसके फादर का नाम ऑटो फ्रैंक है, उसकी मदर का नाम एडिस फ्रैंक है, बड़ी बहन का नाम मार्गरेट है. तो ये उसकी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है जो उसने इस डायरी में दिया है. नेक्स्ट, बर्थ. उसका बर्थ कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी 12 जून 1929 में, और उसकी बहन 3 साल बड़ी है तो 26 में हुआ होगा. और फिर वो इमिग्रेट हो गए थे, कहाँ, हॉलैंड चले गए थे. कब, 1933 में, वही नाजी रूल जब था जर्मनी के अंदर, तो उस टाइम पे जैविश लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, बहुत बहुत ज्यादा भयानक है. अगर आप पढ़ोगे नॉवल आपको पता चलेगा, ठीक है. तो पहले उसके पेरेंट्स गए थे, फिर मार्गरेट गई थी, फिर एनी गई थी, क्योंकि सबका साथ जाना पॉसिबल नहीं था, छुपके जाना पड़ता था, ठीक है. अब अटैचमेंट विद मिसेस क्यूप्रस. अब ये जब मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में थी, जब ये छोटी थी लगभग 6 साल की, तो उस टाइम पे इसकी एक टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, जो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी उस स्कूल की, ठीक है.
और उसके साथ इसका बहुत तगड़ा अटैचमेंट था, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जब इसे स्कूल छोड़ के जाना पड़ा तो उस टाइम पे ये भी रो रही थी, मतलब एनी फ्रैंक भी रो रही थी और मिसेस क्यूपरस भी बहुत ज्यादा रो रही थी, दोनों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो फेयरवेल जो हुआ वो आंसुओं के साथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 1941 में इसकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई थी, और एक और बात कि इसके पेरेंट्स जब चले गए थे तो उस टाइम पे ये ग्रैंड मदर के साथ रह रहे थे, मार्गोट और एने, और बाद में ये लोग भी चले गए थे, तो ग्रैंड मदर 1941 में बीमार हो गई थी और 1942 में उनकी डेथ हो गई थी, तो थोड़ा बहुत उनसे भी वो अटैच थी तो शायद इसे दुख हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट है क्लास वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट, बाद में इसने क्लास के बारे में बताया, अपने स्कूल के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया यहाँ पे हमें कि भाई एक टाइम था जब पूरी की पूरी क्लास जो थी वो परेशान थी, किस बात से परेशान थी कि रिजल्ट आने वाला था और सारे सारे बच्चे जो थे वो बेट लगा रहे थे कौन पास होगा कौन नहीं होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी पॉकेट मनी ही दाव पे लगा दी थी, बेटिंग में लगा दी थी, लेकिन ये श्योर थी कि मैं पास हो जाऊंगी, बस थोड़ा बहुत इसको डर था कि भाई मैथ सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो मेरे को भी दिक्कत देता था, आपको भी शायद हो, ठीक है, अगर देता है तो बताओ कमेंट के अंदर कैसा लगता है मैथ, तो इसको थोड़ा बहुत उससे दिक्कत थी, इवन इसके मैथ्स टीचर जो थे मिस्टर कीजिंग उनसे भी बहुत दिक्कत थी, तो इसे अपने और अपने फ्रेंड्स का शौर था कि हम पास हो जाएंगे, ठीक है, कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज नॉट वरिड पनिशमेंट बाय मिस्टर कीजिंग, अब इसके मैथ्स के जो टीचर है मिस्टर कीजिंग वो अक्सर इसको पनिशमेंट देते थे, पनिशमेंट इसलिए देते थे क्योंकि बग 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 बोलते रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलती थी ये, इसीलिए इसके टीचर इसको पनिशमेंट देते हैं, क्या पनिशमेंट देते हैं, इसको एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं वो भी चैटर बॉक्स पे, अब मुझे ये समझ नहीं आया मैथ्स के टीचर है लेकिन ऐसे लिखने के लिए देते हैं वो, ठीक है, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए देते हैं कि भाई चैटर बॉक्स वो होता है जो हर वक्त बग बग करते रहता है, ठीक है, तो इसको रियलाइज कराना चाहते थे कि तुम इतना बोलती हो देखो बोलने के कितने नुकसान होते हैं, इसीलिए ये ऐसे लिखने के लिए देते हैं, और जब ये चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखती है तो बहुत सोचती है और ये पॉजिटिव वे में लिखती है कि भाई चैटर बॉक्स होना क्यों जरूरी है, या फिर चैटर बॉक्स अगर मैं हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसे ये बोलती है कि जो बच्चे होते हैं उनका तो क्रिएटिव होता है क्वालिटी होती है बात करने, बच्चे तो बात करेंगे ही, बच्चे तो बात कहते ही है, दूसरा वो कहते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है मैंने अपनी मदर से ये क्वालिटी इनहेरिट किया, मेरी मम्मी भी बहुत बोलती है तो मैं भी बहुत बोलती हूं, तो ये फनी लेटर लिखती है बहुत, ठीक है। मिस्टर कीजिंग जो है वो पढ़ते हैं इस लेटर को, बहुत ठीक है बोल दिया मैंने यार, तो मिस्टर कीजिंग जो है पढ़ते हैं इस लेटर को और थोड़ा बहुत हंसते भी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसको बिल्कुल भी सबक नहीं मिला है, इसलिए वो इसको एक और ऐसे लिखने के लिए देते हैं, दैट इज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल मतलब जो मानता ही नहीं है, जो ठीक हो ही नहीं सकता, जिसको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है, फिर बोल दिया, ठीक है, तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए देते हैं, और ये वो भी लिख देती है भाई, अब ये सिलसिला चलते रहता है, मिस्टर कीजिंग फिर से इसको ऐसे लिखने के लिए देते हैं जो कि है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो अब ये क्या करती है, ये अपनी एक फ्रेंड है जिसका अभी नाम मेंशन नहीं है चैप्टर में, नॉवल में गिवन है, जिसका नाम सैने होता है, वो उसकी हेल्प से एक पोएम स्टाइल में पोएम कम आर्टिकल, मतलब एक तरीके से पोएम कम ऐसे एक ऐसे लिखती है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या करती है कि ये स्टोरी बताती है कि तीन बेबी डकलिंग्स होते हैं और एक फादर स्वैन होता है और एक मदर डक होती है, और वो तीन बेबी डकलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते रहते हैं, इसीलिए उनके जो फादर स्वैन है वो उनको मार देते हैं, उनको मार देते हैं, तो ये स्टोरी बहुत सैड होती है, मिस्टर कीजिंग समझ जाते हैं कि यहाँ पे एने ने जो फादर स्वैन है उसका कैरेक्टर मिस्टर कीजिंग से इंस्पायर किया, क्योंकि मिस्टर कीजिंग भी क्लास के बच्चों को डांटते रहते हैं मारते रहते हैं बोलने के लिए, जैसे वो इनोसेंट डकलिंग्स थे, तीन बेबी डकलिंग्स थे जिनको क्वैक क्वैक करने के लिए उनके फादर ने मार दिया, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि बेबी डकलिंग जैसे क्वैक करते हैं उसी तरीके से बच्चे भी बोलेंगे ही, उनकी ये ट्रेट है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए, उसके बाद से वो एने के साथ बात करते हैं, क्लास के साथ बात करते हैं, इंजॉय करते हैं और इवन पढ़ाते भी हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए, बाद में मिस्टर कीजिंग ने अलाउ किया उसे बात करने के लिए, हालांकि नॉवल में तो बहुत कुछ है लेकिन मैंने इसी के बारे में बताया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है कि वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एने, मतलब मिस्टर कीजिंग जो थे वो एने से क्यों एनॉयड थे, क्यों परेशान थे बात करने से, दूसरा व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया था, उसके लिए पनिशमेंट दी थी तीन बार ऐसे दिया था, हाउ डिड एने मेक हिम अंडरस्टैंड, तो फाइनली उसने जो एक पोएम कम ऐसे लिखा था वो अपनी फ्रेंड की मदद से उससे उसने किया था, जो स्टोरी उसमें थी वो, और दूसरा है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये लॉन्ग में कई बार आ जाता है एक्सप्लेन करना है, तो आई होप आपको पता है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इसका मतलब क्या है, मैं वीडियो में बता चुका हूं। तो गाइज हमारा सबसे पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया वो है बेकर फ्रॉम गोवा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, ग्लिम्सेस का मतलब क्या होता है, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ग्लिम्सेस का मतलब होता है बहुत सारी झलक, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट व्यू नहीं होगा लेकिन ग्लिम्स मतलब कि एक इनकम्प्लीट व्यू, लेकिन यहाँ पे ग्लिम्सेस का मतलब ये है कि इंडिया की वो चीज़ें या वो प्लेसेस जिनके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इट मीन्स कि अगर हम इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसकी अगर हम एक झलक दो झलक या तीन झलक की बात करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है या फेमस है, तो एक तो हमें बेकर फ्रॉम गोवा मतलब गोवा के जो बेकर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, दूसरा एक प्लेस है कर्नाटक में जिसका नाम कूर्ग है उसके बारे में बताया गया है, तीसरा हमें टी के बारे में बताया गया है असम की, तो असम की जो चाय है उसकी स्पेशलिटी के बारे में हमें बताया गया है और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में बताया गया है, तो आज मैं आपको पहले पार्ट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम बेकर फ्रॉम गोवा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको देखते हैं,
Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. And we still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. And those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The third-hand jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession, and these bakers are even today known as pedar in Goa. तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि basically जो पुराने पोर्टुगीज डेज थे, अगर हम उनको याद करते हैं, और स्पेशली जो गोवा में एल्डर्स हैं, अगर वो उनको याद करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो याद करते हैं, तो उनको याद आती है उन लोव्स ऑफ ब्रेड की. ब्रेड का जो लोव होता है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा. बेसिकली दैट इज अ काइंड ऑफ यू नो द ओवरऑल पार्ट ऑफ अ ब्रेड जिससे स्लाइसेस काटे जाते हैं आपके, ठीक है, और ज्यादातर बेकिंग में इसका यूज किया जाता है. तो सर्च लोव्स ऑफ ब्रेड तो आपको गूगल पे इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी. तो ये बोला गया है कि उन लोव्स के जो ईटर्स हैं वो वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लेकिन जो मेकर्स हैं, जो उनको बनाते हैं, वो आज भी हैं. तो अगर हम आज भी गोवा में देखें तो हमें मिक्सर्स, मोल्डर्स और जो लोव्स को ब्रेड लोव्स को बेक करते हैं, जो ब्रेड को बेक करते हैं, वो लोग मिल जाएंगे. और उनकी जो फर्नेसेस हैं, उनकी जो भट्टियाँ हैं जिसमें वो ये काम करते थे, वो आज भी गोवा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. तो इसके बारे में बताया गया है. और जो फायर है फर्नेस की, वो अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं है, मतलब बुझी नहीं है. और हमें पता कैसे चलता है? बेसिकली जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते हैं, उनका जो बैम्बू होता है उस पर घंटी लगी होती है, जिंगल लगी होती है, और उसके थर्ड करने पे, इट मींस उसको ठोकने पे, जो नीचे सरफेस है, जमीन है, उस पर ठोकने पे जो घंटियां हैं उनकी आवाज से ये बात साफ हो जाती है कि जो बेकर है उसकी एंट्री गांव के अंदर हो चुकी है. मतलब एक तरीके से ये मॉर्निंग का जो उसका अनाउंसमेंट रिंग है वो उसके बैम्बू की वो जिंगल है, ठीक है. और ये बोला गया है कि शायद हो सकता है कि बेकर, इट मींस जो फादर है, वो आज अलाइव नहीं है, लेकिन उसका जो बेटा है वो उस प्रोफेशन को आज भी आगे चला रहा है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली हमारे को यही बताया गया कि कैसे जो बेकर्स हैं वो वहाँ के लोगों की, गोवा के लोगों की पुरानी यादों में बसे हुए हैं. इट मींस जो चाइल्डहुड का टाइम था, वहाँ के जो एल्डर्स हैं उनके जो चाइल्डहुड का टाइम था, उस टाइम पे जो बेकिंग था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था गोवा के अंदर. अब सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं. तो राइटर बताता है कि हमारा जो चाइल्डहुड था गोवा में, तो जो बेकर होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, हमारे कंपेनियन होते थे, और वो एटलीस्ट दो दिन, मतलब एक दिन में दो बार वहां पे आते थे. वी आर स्टडिंग द सेकंड पैराग्राफ. तो वो एक दिन में दो बार आते थे, एक जाते हुए और एक वापस आते हुए. तो जब वो जाते थे अपना यू नो सामान जो है उसको बेचने के लिए, तो उनके पास एक बास्केट होती थी और उस बास्केट के अंदर वो सारा का सारा सामान होता था, और वापस आते हुए उनकी जो बास्केट होती थी वो खाली होती थी और सारा सामान बिक चुका होता था. तो बेसिकली उनका जो अराइवल है उसके बारे में पता कैसे चलता था? उनकी म्यूजिकल एंट्री से. उनकी जो म्यूजिकल एंट्री है वो एक क्ल्यू था कि वो आ चुके हैं. तो उनकी म्यूजिकल एंट्री कैसे होती थी? बेसिकली द म्यूजिकल एंट्री यूज टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बैम्बू स्टाफ. उनके पास जो डंडा होता था जिसके ऊपर वो बास्केट रखते थे, तो उसके थ्रू उनकी म्यूजिकल एंट्री होती थी. क्योंकि आते ही वो जो बैम्बू का स्टाफ है जिसके उस बास्केट को वो प्लेस करते थे, उसके जो जिंगल्स लगे हुए हैं, उसमें जो घंटियां लगी हुई हैं, वो उसको जैसे ही ठोकते थे उस बैम्बू को, तो वो बजती थी. और विद द हेल्प ऑफ दैट द पीपल यूज टू नो, मतलब पीपल केम टू नो दैट द अराइवल ऑफ बेकर हैड टेकन प्लेस, कि वो आ चुका है, ठीक है. तो ऐसा क्या रीजन था कि जो लोग थे वो उनसे मिलते थे? और जो राइटर है स्पेशली अपनी बात कर रहा है कि हम बचपन में उनके पास जाते थे, ऐसा क्या रीजन था उनके पास, ऐसा क्या था जो हमारे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? तो यहाँ देखिए क्या लिखा है. Was it for the love of the loaf? कि क्या हमें loaf इतना प्यारा था? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो loaves थे वो कौन खरीदता था? The Paskin और Bastin, मतलब जो वहाँ की maid servant होगी house की, वो loaves को खरीदा करते थे. लेकिन जो main, जो writer है, वो as a child क्या पसंद करता था? वो पसंद करता था जो bread bangles होते हैं. Bread bangles क्या होते हैं? जो एक special sweet bread होती है different shapes में, जो बच्चों के लिए specially जो bakers थे वो लेके आते थे, और बच्चों को वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद अ झनझन साउंड. तो बेसिकली जो बैम्बू स्टाफ है उस पे जो वो जिंगल्स लगे हुए हैं, उसकी मदद से जो झनझन का साउंड होता है बैम्बू स्टाफ को नीचे ठोकने पे, उससे उसकी म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी. और एक हाथ जो उसका होता था वो बास्केट पे होता था, हेड पे, क्योंकि बास्केट को वो सर पे रखते थे तो उस पे होता था. और दूसरा हाथ जो होता है वो बैम्बू से होता है, जिससे वो स्टाफ पे, मतलब जो स्टाफ है बैम्बू का, इस पे वो बास्केट को भी प्लेस करते हैं, वो उसको जमीन पे मारते हैं, और उससे जो आवाज आती है उससे लोगों को इसके बारे में पता चलता है. तो बेकर जब आते हैं तो सबसे पहले जो घर की लेडीज होती हैं वो उनको क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं. और जो यू नो राइटर है वो बताता है कि एज अ चाइल्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि बास्केट के अंदर क्या है और क्या नहीं है. दैट वाज द थिंग. बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीम. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो बास्केट है अगर वो स्टाफ बैम्बू स्टाफ पे थोड़ी ऊंची लगी हुई है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो किसी भी चीज पे चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के बाद वो देखते हैं और झांकने की कोशिश करते हैं कि बास्केट के अंदर वो क्या लेके आए हैं. एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम. और वो क्या लेके आते हैं? एल्डर्स के लिए वो लूव्स लेके आते हैं, और बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल्स लेके आते हैं. इट मींस जो बेकर्स हैं वो बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल लेके आते हैं, दैट इज स्वीट ब्रेड इन पर्टिकुलर शेप्स, ठीक है. और जो राइटर है वो बताता है कि बचपन में हमें इस बात की फिक्र होती ही नहीं है कि हमने ब्रश किया है
या नहीं किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जल्दी से जल्दी उन ब्रेड बैंगल्स को खाएं। और वो ये भी कहते हैं, ह्यूमरस तरीके से राइटर ने ये बात बताई है कि जो टाइगर होता है वो अपने जो टीथ है वो ब्रश थोड़ी ना करता है, कि जो हॉट टी है मतलब जो गर्म चाय है वो अगर हम पियेंगे तो सारा का सारा जो खराब है मतलब दांत में जो लगा हुआ है वो सब खुद ही वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बात बताई गई है, मतलब कॉमिकल तरीके से बात बताई गई है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि गोवा के अंदर जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, मतलब अगर मैरिज में कोई भी पर्सन जा रहा है गोवा में तो जो मैरिज के गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस होते हैं विदाउट अ स्वीट ब्रेड, मतलब उसके साथ उसे एक स्वीट ब्रेड लेके जानी होगी जो कि बोल है। मतलब जिस तरीके से हमारे यू नो कल्चर के अंदर हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं कि भाई ये चीज शुभ होती है और वो चीज शुभ होती है, वैसे गोवा के अंदर हर एक मैरिज के अंदर जो लोग हैं वो क्या लेके जाते हैं, वो एक स्वीट ब्रेड लेके जाते हैं साथ में गिफ्ट के, जिसका नाम बोल है। ऐसे ही किसी भी पार्टी में अगर ब्रेड नहीं होती तो उस पार्टी का जो चार्म है, जो उसकी रौनक है, वो चली जाती है गोवा के अंदर। और इसी तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि जो बेकर है वो एक गांव में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोवा में। ऐसी एक लेडी जो है वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट की जब प्रिपरेशन करेगी तो वो सैंडविचेस जरूर प्रिपेयर करेगी, क्योंकि सैंडविचेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एंगेजमेंट में। और केक्स और बोलेनास जो है वो स्पेशल होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेजर फेस्टिवल्स जो गोवा में होते हैं, जैसे क्रिसमस वहां पे। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है कि जो बेकर की फर्नेस है उसका वहां होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेकर की जो ब्रेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ओकेशन पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर है वो बताता है कि जो बेकर है और जो ब्रेड सेलर है वो उस टाइम पे एक पीकुलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज पीकुलर मतलब स्ट्रेंज ड्रेस पहना करते थे, जिसका नाम क्या है, कबाई है। और कबाई क्या होती है, एक सिंगल साइड फ्रॉक होती है, ठीक है, सिंगल साइड फ्रॉक लाइक एन एप्रन, ठीक है, उसकी तरह होती है और नीज मतलब घुटने जो होते हैं पैर के वहां तक वो आती है और पीछे से वो उसको बांध लेते हैं। तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और जो राइटर है वो बताता है कि हमारे बचपन में जो बेकर्स होते थे वो लॉन्ग मतलब शॉर्टर ट्राउजर्स पहना करते थे, जो शॉर्ट होते थे, देन फुल लेंथ मतलब जो फुल लेंथ ट्राउजर्स होते हैं ना, आपकी बेंड होती है, फुल लेंथ नहीं होती है बल्कि नीज से थोड़ा नीचे होती है और पूरी फुल लेंथ जो होती है एंकल उससे थोड़ा ऊपर होती है। तो लिखा ना लॉन्गर देन हाफ पैंट एंड शॉर्टर देन फुल लेंथ, ठीक है। इवन टुडे अगर कोई हाफ पैंट गोवा में पहन रखा होता है, उसके हाथ में बास्केट होती है, तो किसी को भी लगता है कि वो जरूर बेकर होगा। लास्ट में हमारे को ये बताया गया है कि जो बेकर्स हैं, लास्ट पैराग्राफ है ये, तो लास्ट में हमें बताया गया है कि जो बेकर्स होते हैं वो अपने जो बिल्स हैं वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते हैं और वो अपना जो मंथली रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा, किसको कितना ब्रेड दिया और जो भी है, वो जो वॉल्स होती है आपकी जो वॉल्स होती है वहाँ पे उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को रखते हैं। और फिर लास्ट ये भी बात बताई गई है कि जो बेकिंग प्रोफेशन है गोवा में वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि जो बेकर्स की फैमिली होती है वो प्रॉस्परस होती है और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि उनके सर्वेंट्स भी काफी हैप्पी लगते हैं, प्रॉस्परस लगते हैं। और आज के टाइम पे भी अगर कोई जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब जो आपका कटहल होता है उसके जैसा अपीयरेंस, जैसे कटहल होता है काफी ज्यादा यू नो वी कैन से फैला हुआ, उसी तरीके से फैले हुए अपीयरेंस जैसा कोई व्यक्ति अगर दिखाई देता है हट्टा कट्टा मोटा सा, तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब ये हुआ हट्टा कट्टा रॉबस्ट, ठीक है, तो वो पर्सन जो है वो बेकर कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो बेकर्स होते थे उस टाइम पे वो इसी तरीके के अपीयरेंस में होते थे, क्योंकि उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होती थी और खाने में भी कोई कमी नहीं होती थी। तो गाइज ये हमारा ओवरऑल टेक्स्ट है, मैंने आपको भी पढ़ाया, आई होप ये आपको समझ में आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, तो एक तो भाई देखो जो म्यूजिकल एंट्री है उसको लेके आप प्रिपेयर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ड्रेस है उसको लेके आप प्रिपेयर कर लो। और बेकर की जो फर्नीस है वो गोवा में इंपॉर्टेंट क्यों है इसको लेके एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। और ड्रेस को क्या कहते हैं और मंथली बिल्स वो कहाँ रिकॉर्ड करते थे और उनकी फैमिली कैसे फील करती थी और उनके जो नौकर हैं वो कैसे रहते थे, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट वन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। और नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कूर्ग है यहाँ पे, ये पार्ट टू है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का। और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कूर्ग जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो आता है कि कूर्ग जो है वो फेमस किस चीज के लिए। तो मेनली तीन चीजें हैं जिसके लिए कूर्ग बहुत ज्यादा फेमस है। तो बेसिकली कूर्ग किसके लिए फेमस है, कूर्ग फेमस है अपने एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए। तो जो चैप्टर का टेक्स्ट है उसके थ्रू मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, तो स्क्रीन पे वो टेक्स्ट अवेलेबल होगा और आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं और अपने साथ आप बुक भी रख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कूर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है। तो कूर्ग क्या है, मिडवे है बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मतलब जो मैसूर है और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कोस्टल टाउन मतलब समुद्र नदी के या समुद्र के पास का इलाका होगा, तो जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर है उसके बीच में जो एक रास्ता है वो कूर्ग है। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, इसको स्वर्ग माना जाता है, इसको ड्रिफ्ट किया गया है जैसे मानो किंगडम ऑफ गॉड से, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे हिल्स मिलेंगे आपको और यहाँ के जो लोग हैं उनको मार्शल मैन बोला गया है। मार्शल मैन का मतलब ये होता है कि वो लोग फाइटर्स हैं, मतलब पुराने समय में या उनकी जो पीढ़ी होगी पहले की वो फाइटर्स थे।
और ब्यूटीफुल वुमेन मिलेंगी वहां पे आपको, और वाइल्ड क्रिएचर्स भी मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि कुर्ग को कोडागू भी बोला गया है। तो यहाँ पे आप चाहे कुर्ग बोलो चाहे कोडागू बोलो, बात एक ही है। ऐसे ही कुर्गी पीपल और कोडागू पीपल बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना। तो कुर्ग और कोडागू जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कहां के, कर्नाटक के। और किस चीज के लिए फेमस है मैं बता चुका हूँ, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार जंगल, यहाँ 12 महीने बारिश होती है, और साथ में कॉफी प्लांटेशन के लिए और स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये, ठीक है। और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका पूरा कुर्ग उसको कवर करता है। और मानसून के टाइम पे विजिटर्स जो है वो दूर रहते हैं, क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा भारी भरकम बारिश होती है और ज्यादा लोग वहां पे नहीं जा पाते। जो जॉयफुल सीजन होता है वो सितंबर से स्टार्ट होता है, और वहां पे जाने के बाद आप भूल जाओगे इस दुनिया को और आपको वहां रहने का मन करेगा। यहाँ का वेदर एकदम परफेक्ट होता है, कुछ शार्स होते हैं उस टाइम पे, और जो एयर है उसमें ब्रीथ मतलब जो एयर है आपकी उसमें अगर आप ब्रीथ करते हो तो आपको कॉफी की जो फ्रेग्रेंस है वो आएगी। वहां पे कॉफी एस्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगलोज हैं, और वहां ट्री कैनोपीज आपको दिखाई देंगी। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ के बारे में। अब देखो थर्ड पैराग्राफ में हमें बताया गया है बेसिकली जो कुर्ग के लोग हैं उन्हें फाइसली इंडिपेंडेंट बोला गया है। फाइसली इंडिपेंडेंट मतलब बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र और बहुत ही ज्यादा निडर और ब्रेव बताया गया है। और उनके डेसेंट के बारे में बात किया गया है कि वो कहां के रहने वाले हैं, कहां का उनका ओरिजिन है। तो मेनली यहां पे एक स्टोरी है जिसको बताया जाता है कि कुर्गी लोग कहां के हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट एक राजा थे, एक रूलर थे, उनकी जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ जा रही थी, और साउथ की तरफ जाते हुए जब उनका रिटर्न आना इम्प्रैक्टिकल हो गया तो उनमें से काफी सारे सोल्जर्स ने वहीं के लोकल से शादी करके वहीं पे अपने आप को सेटल कर लिया, और उनका जो ट्रेडिशन है वो कुर्गी ट्रेडिशन मतलब कुर्गी ट्रेडिशन जाना जाने लगा, ठीक है। इसीलिए उनको मार्शल मैन भी बोला गया क्योंकि वो अलेक्जेंडर की आर्मी से थे जो कि फाइटर्स थे, ठीक है। तो द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं। एज वन स्टोरी गोज कि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी जब साउथ की तरफ जा रही थी और रिटर्न इम्प्रैक्टिकल हो गया तो उन लोगों ने वहां के लोकल से शादी कर ली, और उनका जो ट्रेडिशन है वो मार्शल ट्रेडिशन है, और उनकी मैरिज और रिलीजियस राइट्स जो है वो भी हिंदू मेन स्ट्रीम से काफी ज्यादा मेल खाती है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो थ्योरी है और अरब ओरिजिन की वो सपोर्ट कहां से मिलता है, उनका जो पहनावा है जैसे ब्लैक कोट हो गया आपका और एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट हो गई, और उनकी जो वेस्ट बेल्ट होती है ब्लैक कलर वाइट कलर की उसका जो रिजेम्बलेंस है वो कूफिया वॉन से है। कूफिया वॉन इट मींस बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जो अरब लोग होते हैं ना आपके जिस तरीके का वो पहनते हैं, दैट इज अल हबीबी अल हबीबी, और देर इज लाइक दे हैव अ वाइट काइंड ऑफ ड्रेस, ओके, एंड दे हैव अ बेल्ट, ब्लैक बेल्ट होती है वैसे उनके पास, और उनकी एक टोपी होती है। तो सऊदी अरेबिया और यहाँ के इलाकों में जो लोग पहनते हैं तो कुछ ऐसा वॉन है, तो वो अरब ओरिजिन वाली जो है वो इस तरीके से सपोर्ट होती है, और ग्रीक और अरेबिक वाली जो है वो अलेक्जेंडर आर्मी से सपोर्ट होती है। तो आपके जो इसका ओरिजिन है यहां के लोगों का उसको लेके कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के कुर्गी लोग जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, कुर्गी लोग जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, अपनी मेहमान नवाजी के लिए। यहां के लोग बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं लोगों की, और दूसरा वो काफी सारी टेल्स को रिकाउंट करते हैं, न्यूमरस टेल्स जो कि वैलर से रिलेटेड होती है। वैलर मतलब उनकी ब्रेवरी से, उनके बेटों ने, उनके पिता ने मतलब बहुत सारे ब्रेवरी के काम किए हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया मार्शल मैन है यहां पे, तो भाई उसके लिए बहुत फेमस है। और कुर्गी रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का, मतलब इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, दिल्ली का रेजिमेंट दिल्ली कैंट में है, ऐसे अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, पंजाब का रेजिमेंट है। तो इंडियन आर्मी का जो कुर्ग वाला रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल रेजिमेंट माना जाता है, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट माना जाता है। और एक और बात बताई गई है कि इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे, पहले हेड थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो कुर्ग के ही रहने वाले थे। फिर नेक्स्ट बात ये बताई गई है कि कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, मतलब जो कोडावू लोग हैं मतलब कुर्गी लोग हैं उन्हीं के पास ये परमिशन है कि विदाउट लाइसेंस वो फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं। इट मींस जो असला बारूद होता है या फिर जो बंदूकें होती हैं उनको वो कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, मतलब जो रिवर कावेरी है उसका पानी कुर्ग के पहाड़ों से आता है। उस पानी में एक मछली मिलती है जिसका नाम है महासीर, जो कि एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, और वहां पे आपको किंगफिशर्स दिखाई दे जाएंगे डाइव लगाते हुए, और स्क्वायरल्स दिखाई देंगे, लंगूर देंगे, और भी काफी सारे एनिमल्स वहां पे आपको दिखाई देंगे, और साफ पानी आपको दिखाई देगा, वहां पे महात आपको दिखाई देंगे जो अपने एलिफेंट्स को नहला रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कुर्ग को बहुत ज्यादा फेमस बनाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, मतलब जो बहुत ही बोरिंग इंडिविजुअल्स होते हैं जो पीछे रहते हैं वो भी हाई एनर्जी एडवेंचर के साथ यू नो एनर्जेटिक बन जाते हैं कुर्ग में आने के बाद, क्योंकि यहां काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं यहां पे, और न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और साथ में काफी सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं यहां पे, और वहां पे लोग ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने का भी काम करते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, ये सारे के सारे आपको कंपनी देंगे वहां पे, मकाउस, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर, स्लैंडर, लोरीज, ये सब आपको देखते रहेंगे पेड़ों से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, पैनारोमिक व्यू मतलब एक बहुत बड़ा यू नो वाइड व्यू होता है, दैट इज कॉल्ड पैनारोमिक व्यू। तो आप जब ब्रह्मागिरी हिल पे चढ़ोगे तो वहां पे आपको पैनारोमिक व्यू दिखाई देगा पूरी की पूरी घाटी का, और एंटायर लैंडस्केप पूर का आपको वहां से दिखाई देगा। और फिर उसके बाद एक रोप ब्रिज है, वहां से आप एक आइलैंड पे पहुंच सकते हो जिसका नाम निजरगद्धामा है, और ये 64 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है, और साथ में वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क यू नो
तिब्बतन सेटलमेंट है, वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क आपको दिखाई देंगे बायला कोपे के पास। ये बोनस है आपके लिए वहाँ पे, मतलब बायला कोपे का नजारा मिल जाएगा आपको। वहाँ लोग दिखाई देंगे रेड ऑकरे में, येलो ऑकरे में, जो कि मॉन्क्स होते हैं, मंक्स होते हैं, और भी काफी सारी चीजें वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि असम जो है वो एक टी कंट्री है, और वहां पे टी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और वहां से जो टी है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट इंडिया, इवन इंडिया से बाहर भी। तो इस स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रांजल और राजवीर, जो कि दो यंगस्टर्स हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं असम को। और प्रांजल के फादर जो है वहां पे एक टी एस्टेट में मैनेजर है, तो जब वो राजवीर के साथ जाता है तो उस टाइम पे राजवीर जो फर्स्ट टाइम असम जा रहा है उसको कैसा फील होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए इन सारे चैप्टर के, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप जल्द से जल्द हमें मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। और नेक्स्ट चीज ये कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस लिंक को जरूर यूज करें। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम आगे आते हैं अपने पैराग्राफ वाइज नहीं है गाइज यहाँ पे आपका, ठीक है, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई। आपके सामने स्क्रीन पे पॉइंट्स अवेलेबल होंगे या जो पिक्चर है वो अवेलेबल होगी, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा, और आप अपने सामने भी बुक को रखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग ही होती है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन से, जो कि है प्रांजल जो कि एक यंगस्टर है असम का रहने वाला है, और राजवीर जो कि उसका क्लासमेट है दिल्ली का, तो ये दोनों के दोनों असम जा रहे हैं। प्रांजल के फादर जो है वो मैनेजर है एक टी गार्डन में, एक टी एस्टेट में अपर असम में, और प्रांजल जो है उसने राजवीर को इनवाइट किया है कि तुम मेरे साथ असम चलो समर वेकेशन के टाइम पे। तो समर वेकेशन में ये लोग जा रहे होते हैं। अब होता क्या है, जब ये स्टेशन पे एक जिस ट्रेन में ये जा रहे हैं, जब स्टेशन पे वो रुकती है तो वहां एक आवाज आती है, दैट इज चाय गरम गरम चाय। आपने भी देखा होगा मॉर्निंग में जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हो, कई सारे लोगों की आवाज आने लगती है, और स्पेशली असम में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि असम की चाय बहुत मशहूर है तो लोग ज्यादातर चाय पीते हैं। तो जब ये आवाज आती है तो इतने में एक लड़का आता है उनकी विंडो के पास और पूछता है चाय साहब, तो इतने में प्रांजल कहता है कि हाँ मुझे दो कप चाय दे दो, और एक राजवीर के लिए और एक उसके लिए। और वो इतने में हॉट लिक्विड को सिप करने लग जाते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है उसमें ज्यादातर लोग चाय पी रहे होते हैं उस टाइम पे। तो राजवीर जो है वो बोलता है, क्योंकि वो काफी सारे फैक्ट्स पढ़ रहा था चाय के बारे में, तो राजवीर एकदम से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, प्रांजल से बात कर रहा है, क्या तुम्हें पता है कि एक दिन में पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। तो प्रांजल जो है काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि टी इज रियली वेरी पॉपुलर, मतलब जो टी है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फिर ट्रेन वहां से निकलती है, और जो प्रांजल है वो अपनी नाक वापस डिटेक्टिव बुक में डाल देता है, मतलब प्रांजल डिटेक्टिव जो बुक होती है, डिटेक्टिव जो स्टोरीज होती है उनका लवर है, और वो बुक पढ़ रहा है। लेकिन राजवीर जो है वो ऐसा नहीं कर रहा, हालांकि उसे भी डिटेक्टिव बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो पहली बार असम आया है, प्रांजल वहां का रहने वाला है, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, उसने देख रखी है चीजें। लेकिन राजवीर जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो उस ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहा होता है, हर जगह ग्रीनरी होती है, इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, और राजवीर ने इतनी ज्यादा ग्रीनरी कभी भी नहीं देखी है। सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, मतलब वहां पे पैडी फील्ड्स है और वहां टी बुशेस है जो चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है, बीच में पैडी फील्ड है और उसके साइड में कतारें हैं किसकी, टी बुशेस की, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरा है, इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, मतलब बहुत ही मैग्निफिसेंट और अट्रैक्टिव व्यू था, और पीछे की तरफ वुडेड हिल्स थे, वहां पे काफी सारे पेड़ भी हैं, और जो टी बुशेस हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, स्ट्रेच हो रखी हैं जहां तक आंखें जाती हैं, और जो टी है, टी के जो प्लांट हैं वो टाइनी हैं, छोटे हैं, और कहीं ना कहीं डॉल लाइक फिगर्स लगते हैं, डॉल लाइक फिगर्स मतलब गुड़िया की तरह लगते हैं। और उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक गंदी सी बिल्डिंग होती है दिखने में, जिसमें से स्मोक बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि वो एक टी एस्टेट होगा जहां टी का प्रोडक्शन हो रहा होगा। इतने में राजवीर चिल्लाता है और एक्साइटेडली बोलता है, हे अ टी गार्डन सी, लेकिन जो प्रांजल होता है वो वहां बड़ा हुआ है और वो इतने एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करता। ऑन दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, तो प्रांजल ये बोलता है कि इट इज अ टी कंट्री, यहाँ पे आपको जहां पे भी नजर जाएगी वहां पे टी एस्टेट्स दिखाई देंगे, और इट इज नॉट अ न्यू थिंग, असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, मतलब टी प्लांटेशन सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे इतने ज्यादा गार्डन है कि तुम पूरी लाइफ में भी शायद ना देख पाओ सारे के सारे, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड, तो राजवीर बताता है कि मैं काफी सारी चीजें टी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो कुछ बातें बताता है, जैसे वो टी की डिस्कवरी को लेकर दो बातें बताता है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर, कि क्या वो डिस्कवरीज थी, वो क्या लेजेंड्स हैं जो टी की डिस्कवरी को लेके बताए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताता है दो लेजेंड्स के बारे में, जिनमें से एक इंडियन लेजेंड है और एक चाइनीज लेजेंड है, और वो पहले चाइनीज लेजेंड के बारे में बताता है, जिसके बारे में प्रांजल उससे पूछता है। तो वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, तो वो बताता है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी उबाल के पिया करता था, और एक दिन क्या हुआ, जब वो पानी उबाल रहा था तो उस टाइम पे कुछ लीव, कुछ ट्विक्स जो थे, पत्ते जो थे, कुछ पत्तियां जो थी वो उसके पानी में गिर गई, और उससे एक डिलीशियस फ्लेवर उसको आया जब उसने उस चीज को पिया, और उसके बाद से उसका नाम टी लीव्स पड़ गया। तो दैट इज द थिंग, तो ये है हमारा कौन सा चाइनीज लेजेंड, और इंडियन लेजेंड जो है वो अगला है जो प्रांजल पूछता है। तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू एंड बोधिधर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट आस्केटिक, मतलब कि बोधिधर्मा नाम के एक मंक थे जो कि एक साधु हैं, और उन्होंने मतलब एक मेडिटेशन किया था, मतलब काफी बड़ा एक यू नो क्या कहते हैं उसे
ध्यान लगाया था और उस ध्यान के दौरान जब उन्हें नींद आ रही थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने क्या करा, उन्हें अपने आईलेट्स को, अपनी जो पलकें हैं उनको काटा और उनके बाद पलकों को फेंक दिया, और जिस जगह पे उन्होंने पलकों को फेंका वहां पे 10 टी प्लांट्स हो गए, और 10 टी प्लांट्स जो हैं उनके जो लीव्स हैं जब उनको पानी में डाल के पिया गया तो उससे जो स्लीप है, जो नींद है, वो चली जाती है। तो दैट इज अबाउट दैट। वही लिखा है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलेट बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलेट्स। द लीव्स ऑफ दीस प्लांट व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, मतलब जो नींद है वो उससे बैनिश हो जाती है, चली जाती है। फिर राजवीर ने और कुछ बातें बताई हैं कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, मतलब जो टी है वो चाइना में पहली बार पी गई थी लगभग 2700 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। और चाय चीनी वर्ड जो है वो चाइनीज वर्ड है। फिर यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय आई थी और उस टाइम पे इसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता था, एज अ रिफ्रेशिंग बेवरेज नहीं। और फिर वो मारियानी जंक्शन पहुंच जाते हैं और वहां पे वो अपना लगेज लेते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं। प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो उनका वेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो धेकिया बारी की तरफ जाते हैं, जो कि एक जगह है, एक टी गार्डन है एक्चुअली, प्रांजल के फादर जहां पे मैनेजर है। एंड आर लेटर जो कार है वो वहां से निकलती है और वो एक कैटल ब्रिज को, एक मतलब एक ब्रिज होता है उसको पार करते हैं और धेकिया बारी टी स्टेट में एंटर करते हैं। और दोनों साइड ग्रेवल रोड होता है, पक्का रोड नहीं होता, और टी बुशेज होती हैं चारों तरफ, ठीक है। एंड जो टी प्लकर्स होते हैं वो अपनी बैम्बू बास्केट के अंदर टी के जो लीव्स हैं उनको प्लक कर रहे होते हैं, उनके हाथ में उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहने हुए हैं और जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स हैं वो उनको प्लक कर रहे हैं, ठीक है, जो नए नए लीव्स आए हैं बुशेस पे। और प्रांजल के जो फादर हैं वो एक ट्रैक्टर को पार होने के लिए वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करते हैं। और उसके बाद फिर जो राजवीर है वो एक बात को और ऐड करता है कि मिस्टर बारुआ उनका नाम है प्रांजल के फादर का, कि ये सेकंड फ्लश है, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना, तो इतने में मिस्टर बारुआ जो है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। हाँ बिल्कुल, ये सेकंड ही स्प्राउटिंग सीजन है। और फिर उसके बाद वो कहता है हाँ, और मैं और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे सीखना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला हमारा जो पैराग्राफ है, मैं आपको उससे पहले बता दूं कि मिजबिल द ऑर्डर जो चैप्टर है वो गैविन मैक्सवेल का जो ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस्ड है, इट मींस उनकी खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड है। और गैविन मैक्सवेल ने यहाँ पे अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है जो कि उन्होंने स्पेंड की है किसके साथ, अपने पेट के साथ, जिसका नाम मिजबिल है। तो मैं आपको बता दूं, मिजबिल एक ऑटर होता है और ऑटर हिंदी में उद बिलाव को कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एनिमल है, या मैं कह सकता हूँ बहुत ही अननोन स्पीसी है, और जो बाहर की दुनिया के लोग हैं या जो आसपास के आपके लोग हैं उनको शायद इसके बारे में ना पता हो या फिर उन्होंने इस एनिमल को देखा भी ना हो। तो होता क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इसको हमने पार्ट्स में, एक्चुअली चैप्टर जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, 2, 3 और पार्ट 4, चार पार्ट हैं इसके, ठीक है। और चारों पार्ट मतलब जो है एक के बाद एक जो उसकी जर्नी है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ मैं रीड करता हूँ, दैट इज अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। अब आगे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो राइटर है वो बताता है कि जो न्यू ईयर का टाइम है 1956 में, उस टाइम पे वो साउदर्न इराक गया था और वहां जाने के बाद उसके माइंड में ये आया कि वो इस बार एज अ पेट डॉग को ना रखे बल्कि वो एक ऑटर को रखे, क्योंकि उसका जो डॉग है उसकी डेथ हो चुकी है और इस बार वो एक ऐसे पेट को रखना चाहता है जिसके साथ वो अपना काफी टाइम स्पेंड करने वाला है। तो ऑटर की जो लाइफ होती है वो एक डॉग के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो वो ऑटर को एज अ पेट रखता है और उसे लगता है कि जो केमिस्ट पेना जगह है जहां पे वो रहता है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बेस्ट प्लेस है, क्योंकि जो ऑटर्स होते हैं वो पानी से बहुत ज्यादा पानी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसके आसपास रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो केमिस्ट पेना एक जगह है जहां पे दूर दूर तक पानी है, तो दैट विल बी अ सुटेबल प्लेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शेस। मतलब जब उसने अपने एक फ्रेंड को इसके बारे में बताया कि वो एक ऑर्डर रखना चाहता है, तो उसके फ्रेंड ने उसे बोला कि उसे एक ऑर्डर जो है वो टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएगा, टिग्रिस मार्शेस एक जगह है वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं वो वहां पर बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। तो वो उसका वेट करता है कि मेरा मेल कब आएगा, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 डेज लेटर नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राई टू टेलीफोन द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। तो यहाँ पे उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जब जो साउथर्न इराक में था तो उस टाइम पे उसने इंग्लैंड कॉन्टैक्ट करना था और जो कॉल होती थी वो 24 आवर्स पहले बुक होती थी, तो उसने जब कॉन्टैक्ट करना था तो उसने 24 आवर्स पहले उसे बुक किया, लेकिन फर्स्ट डे लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, सेकंड डे जो था वो हॉलीडे था, और जो थर्ड डे है एक और ब्रेकडाउन हो जाता है इसीलिए उसकी बात अच्छे से नहीं हो पाती। और बाद में फिर उसके पास उसका जो ऑर्डर है वो एज अ मेल आता है, आई कैरीड इट टू माय बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर वर टू अरब्स। मतलब बेसिकली उसका एक मेल आने वाला था, तो उस मेल को लेने के बाद जब वो अपने घर पे आया था और उसको रीड करने वाला था, उससे पहले ही 2 लोग थे जो उसे उसका ऑर्डर देने के लिए आते हैं, जो कि अरब होते हैं, ठीक है। और उसके उनके पास एक सैक होता है, सैक इज अ काइंड ऑफ बोरी, तो उसके अंदर वो ऑर्डर था। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमारे को ये क्लियर कर दिया है कि जो मैक्सवेल है उसको उसका ऑर्डर मिल जाता है। तो अब आगे क्या होता है वो हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 का फर्स्ट पैराग्राफ है, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड। मतलब गैविन मैक्सवेल बोलता है कि उस सैक को खुलने के बाद, उस बोरे को खुलने के बाद जब मैंने उसको पाया, मतलब जो ऑर्डर है वो उसे मिला, तो वो उसके लिए एक ऐसा फेज था लाइफ का जो आज तक एंड नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऑर्डर है
वो उसके साथ आज भी है और कहीं ना कहीं आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन. मतलब कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा अटैचमेंट हो गया है उस ऑर्डर के साथ जो सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिनके पास एक ऑर्डर होगा, क्योंकि एक ऑर्डर जो है वो कितना अटैच हो जाता है अपने मालिक के साथ शायद वो वही जान सकता है जिसने कभी किसी ऑर्डर को ओन किया है. तो उसने बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बताया है. मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, हर एक पैराग्राफ में जो मेन चीजें हैं मैं उनको ज्यादा कवर अप कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिए और आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं अपने रजिस्टर के अंदर. नेक्स्ट पैराग्राफ है, द क्रिएचर दैट एमर्ज फ्रॉम हिज सेक ऑन द स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव ड्रैगन. मतलब जो क्रिएचर निकला था उस सैक में से उसका जो अपीयरेंस है वो एक मेडिवली कंसीव ड्रैगन की तरह होता है. मतलब जिस तरीके का एक ड्रैगन होता है उस तरीके का उसका अपीयरेंस होता है और हेड से लेके टो तक मतलब नीचे तक पूंछ तक वो एक यू नो मड आर्मर है जिससे जैसे मानो कवर्ड हो, क्योंकि वो मिट्टी से लथपथ होता है और धीरे धीरे जब मिट्टी जाती है तो उसका जो रियल कलर होता है वो सामने आता है और एक वेलवेट कलर का फर है और उसकी एक्चुअल स्किन जो है वो चॉकलेट ब्राउन मोल कलर की है. जब वो अपने आप को शूट करता है तो उसके बाद उसके जो ट्रू कलर्स होते हैं उसके जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो सामने आने लग जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, मिजबल एज आई कॉल्ड द वाटर वाज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू द साइंस. अननोन टू साइंस, इसका मतलब कि जो मिजबल है उसने अपने वाटर का नाम रखा है और उसने बताया है कि ये जो स्पीसी है या ये जो क्रिएचर है ये पहले साइंस के लिए अननोन था और बाद में जूलॉजिस्ट ने इसका अलग अलग नाम रखा है, लेकिन मैंने इसका नाम मिजबल रखा है. कई लोग इसे मैक्सवेल सॉर्टर और मैक्सवेल ये भी बुलाते हैं क्योंकि ज्यादातर वो गैविन मैक्सवेल के साथ टाइम स्पेंड करता है अपना. फिर वो उसके बारे में बताता है कि शुरुआत में जो मिजबेल है वो ना तो हॉस्टाइल होता है और ना ही फ्रेंडली होता है. इसका मतलब ना तो वो मेरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है ना ही बहुत ज्यादा वो अनफ्रेंडली होता है, बस थोड़ा बहुत इंडिफरेंट रहता है, दूर दूर रहता है, क्योंकि बींग यू नो एन एनिमल इट्स नॉट वेरी इजी टू ट्रस्ट समवन. तो शायद उसे टाइम लग रहा है मिजबेल को कि वो उसको समझ पाए अपने मालिक को. ठीक है, और फिर बाद में जब सर्वेंट टी लेके आता है तो उस दौरान वो कुछ टाइम बाद यू नो फैमिलियर हो गया था राइटर से, लेकिन जब सर्वेंट आता है तो वो थोड़ा और दूर हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना लग जाता है. और राइटर क्या बताता है, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम. मतलब कई बार बाथरूम ले जाने के लिए वो एक बॉडी लीड एक पट्टा होता है जिसको पहना के उसे लेके जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑर्डर होता है उसे पानी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो स्प्लैश करता है पानी के अंदर और जब भी वो पानी में जाता है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा जॉयफुल मोमेंट होता है. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, टू डेज लेटर मिजबेल एक्सपेक्ट फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट एंड आई टर्न टू सी स्टिल डिसअपीयरिंग अराउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम. मतलब एक दिन जो राइटर है उसने देखा कि जो मिजबेल है वो बेडरूम से कहीं निकल गया है और जैसे ही वो देखता है मुड़के कि कहां गया तो उसकी जो टेल होती है उसकी जो पूंछ होती है वो बाथरूम की तरफ जाते हुए नजर आती है क्योंकि वो फॉन्ड ऑफ होता है वाटर से. तो वो वहां जाने के बाद क्या करता है, बाथटब के अंदर गोते लगा रहा होता है और दूसरी चीज की वो जो उछल के जो टैप है उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है. ठीक है, आई वॉच एन अमेज इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर. मतलब इतना वो टैप खोल देता है कि जो पानी है वो बाहर आने लग जाता है. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जॉयफुल मोमेंट होता है मैक्स क्या नाम है उसके ऑर्डर के लिए, इट मींस मिजबेल के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ, वेरी सून मिच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम के अंदर होता क्या है कि जो मिजबेल है वो उसके नाम पुकारे जाने पे राइटर को फॉलो करने लग जाता है और कहीं ना कहीं राइटर जो है वो उसे काफी अटैच हो चुका है और ज्यादातर टाइम वो अपना खेलते हुए बिताता है. स्पेशली जो रबर बॉल है उसको वो शफल करते रहता है अपने पैरों के बीच में, ये उनका रियल गेम है. जो उसका पॉ है इट मींस जो उसका पंजा है उसमें वो बॉल को उछालते रहता है, जगलअप करते रहता है. ठीक है, और वही लिखा है यहाँ पे देखो कि रियल प्ले ऑफ एन ऑर्डर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉ. तो यहाँ पे वो कई बार जो बॉल है उसको फ्लिक भी करता है, मतलब पुश भी करता है, मारता भी है, सर से शायद फ्लिक करता होगा या पैर से फ्लिक करता होगा उसे. और मार्बल्स जो होती हैं वो उसकी फेवरेट टॉयज होती हैं पास टाइम के लिए. तो ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड और फ्लैट वैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर. मतलब दो तीन ऑब्जेक्ट को साथ में लेके वो उनको जगलअप करते रहता है और कोई भी नीचे नहीं गिरता. तो दैट वॉज द रियल गेम विच मिजबेल यूज टू परफॉर्म. अब थर्ड पैराग्राफ थर्ड पार्ट पे हम आ जाते हैं गाइस. थर्ड पार्ट का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो है, द डेज पास पीसफुली एट बासरा बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड. मतलब जो राइटर है वो चाहता था कि वो उसे इंग्लैंड लेके जाए और बासरा में था वो. ठीक है, इराक में था. ठीक है, तो वहां पे उसका दिन काफी अच्छा गुजरा है, काफी टाइम अच्छा गुजरा है. अब वो इंग्लैंड ले जाना चाहता है उसे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है वो अलाउ नहीं करती पेट को ले जाने के लिए. तो वो क्या करता है, वो पेरिस मतलब फ्रांस अपनी फ्लाइट बुक करता है और फ्रांस से फिर वो लंदन जाएगा, तो जाके एयरलाइन मानती है, वो डायरेक्ट नहीं ले जा पाता उसे. और जो एयरलाइन है वो कहती है मिजबेल को आपको पैक करके रखना है बॉक्स में, 18 इंच स्क्वायर का जो बॉक्स होगा उसमें पैक करके रखना है और फीट के पास रख के आपको लेके जाना है.
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक बॉक्स बनाता है और उसको उसमें रख लेता है, और पहले ही रख लेता है एयरलाइन पहुंचने, एयरलाइन ऑफिस सॉरी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, ताकि वो उसे एकस्टम्ड हो जाए, इट मींस हैबिचुअल हो जाए उस चीज का। लेकिन जब वो उसे रखने के बाद खाना खाने के लिए जाता है और वापस आता है, तो वो शॉक हो जाता है ये देख के कि जो बॉक्स है वो काफी शांत है, जबकि मिजबल ज्यादातर शांत नहीं रहता। इतने में जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है तो वहां पे थोड़ा बहुत खून उसे नजर आता है जो कि ड्राई हो चुका है। मिजबल ने उसे पुश करके खोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो खून है वो थोड़ा बहुत वहां डिप हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो उसे रिकवर करता है और उसके बाद वो उसे वहां से लेके चला जाता है। और जो टैक्सी होती है वो बहुत ही तेजी से उसको एयरपोर्ट ले जाती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है गाइस, आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद अ बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ रिकॉक कैचिंग बुलेट द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ। तो वही है कि बुलेट की स्पीड से टैक्सी चलती है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए वेट कर रहा था, और जो राइटर है वो जल्दबाजी में वहां से जाता है क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं वो थोड़े बहुत इन्फ्यूरिएटेड होंगे, गुस्से में होंगे, क्योंकि वही लास्ट पैसेंजर था जो रह गया था। और लकीली उसकी जो सीट होती है वो आगे की तरफ होती है, तो उसके बाद वो न्यूज़पेपर से फ्लोर को कवर अप कर देता है और वहां पे उस बॉक्स को रखता है। फिर जैसे ही वो एयर हॉस्टेस को बुलाता है वहां पे, तो वो उसे फिश का एक पार्सल देता है जो कि मिजबिल के लिए है, कि वो उसे कूल प्लेस में रखे, और फिर वो उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है अच्छे खासे तरीके से बात करके, और वो बहुत ही अच्छी लगती है जो राइटर है उसको, एयर हॉस्टेस जो होती है, और शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर ओन काइंड, जैसे मानो अपने ही तरह की एक क्वीन हो वो, बहुत ही सुंदर होगी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, तो वो जो एयर हॉस्टेस है वो कहती कि शायद आप चाहते हो कि आप अपने पेट को अपने नी पे अपने घुटनों पे रखो, तो वो उसके हैंड को किस करना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और शायद वो प्रिपेयर नहीं था उस चीज के लिए, और वो बहुत खुश था उसके ट्रीटमेंट से। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिजबिल वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो मिजबिल एकदम से भागता है, और भागते ही वो डिसअपियर हो जाता है हाई स्पीड में एयरक्राफ्ट में। वहां पे चिल्लाने की आवाज आती है, चीख की आवाज आती है, जो विमेन है वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट से और चिल्ला रही होती है अ रैट, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो एक रैट है। फिर मिजबिल की टेल उसको दिखाई देती है, और राइटर जैसे उसे डाइव करके पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसका जो फेस होता है वो एक कभी में अपनी सब्जी में लटपट हो जाता है, और एयर हॉस्टेस जो होती है वो एक चार्मिंग स्माइल के साथ बोलती है कि डोंट वरी आप अपनी सीट पे बैठिए, मैं आपके बेड को लेके आती हूँ, और वो अपनी सीट पे रिटर्न करता है। और आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, मतलब वो अपनी नेक से ही मूव करके देख रहा होता है कि मिजबिल कहाँ है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिजबिल जो है वो आके वापस उसके लैप पे बैठ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, अब लास्ट पार्ट है गाइस जो भी है इसका पार्ट फोर, तो वो पढ़ते हैं। पार्ट फोर है, मिजबिल एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मिजबिल और राइटर जो है वो लंदन में लगभग एक मंथ तक होते हैं, और जो मिजबिल है वो अपनी फेवरेट टॉयज के साथ खेलते रहता है, जैसे पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके साथ वो खेलता है। स्पेशली पिंग पोंग बॉल के साथ उसने एक गेम को इन्वेंट किया था, और वो क्या था, एक सूटकेस था जो कि थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो वो पिंग पोंग बॉल जो है वो एक साइड से ड्रॉप करता है और दूसरी साइड आके उसको फ्लिक करता है अपने हेड से, ठीक है। एंड रिमेन एट अ स्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मिजबिल डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस एंड ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज एंड ग्रैब इट, और मतलब वहां से वो उसे फ्लिक करता है बॉल को, मतलब सूटकेस है जिसमें आगे लाइक ये स्लोप है उसका, जो आगे से टूटा हुआ है और यहाँ से पिंग पोंग बॉल आई है एंड ही जस्ट मूव्स अराउंड और उसके बाद से फ्लिक करता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, वो उसे लीड मतलब पट्टा पहना के ले जाता है जैसे मानो वो डॉग हो। और मिजबिल जो है वो काफी सारी हैबिट्स डेवलप कर लेता है जैसे बच्चे कर लेते हैं स्ट्रीट्स में, जैसे पेवमेंट ब्लॉक्स नहीं होते छोटे छोटे, तो बचपन में हम होते हैं जब पेवमेंट के जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं फुटपाथ पे लगे हुए होते हैं, तो हम अपने पैर में मतलब पैर जो है वो उसके बीच में रख के और स्टेप करते हुए आते हैं कि टच ना हो इधर उधर, है ना, इसी तरीके से वो भी उसमें जंप करते हुए आता है। और इवन एक प्राइमरी स्कूल की एक वॉल भी होती है और उस पर भी कई बार चलते हुए वो आ रहा होता है बैलेंस बनाते हुए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो वो करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज नॉट एज मतलब उसे पता था कि लंडनर्स मतलब जो लंदन के रहने वाले हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि वो कौन सा एनिमल है, लेकिन उसे मतलब ये नहीं पता था कि क्या क्या गैसेस हो सकता है उन लोगों की कि कौन सा एनिमल है, तो वो सरप्राइज होता है सुनकर जब वो उसे अलग अलग एनिमल्स के नाम से बुलाते हैं, बैगर, बैजर, मंगूस, वीजल, स्टोट, मिंक और ये सारे के सारे, तो उसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हंसी आती है कई बार। और कई सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि वो कौन सा एनिमल है, बीवर है या बेयर कब है या लैपर्ड है या क्या है, स्क्वायरल है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऑकवर्ड जब होता है जब एक लेबरर, लास्ट पैराग्राफ, बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर, जो कि होल डिग कर रहा होता है, खोद रहा होता है स्ट्रीट में, और जैसे ही राइटर दूर से आ रहा होता है तो वो अपना काम छोड़ के सामने की तरफ देखता है और राइटर से कहता है हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, मतलब वो क्या है, वो क्या चीज है, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो गाइस जो सर्मन एट बनारस चैप्टर है, इसमें सर्मन का मतलब क्या है, सर्मन का मतलब आपको पता होना चाहिए, सर्मन का मतलब होता है एक रिलीजियस
लेसन, मतलब इसको हिंदी में उपदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे को सिद्धार्थ गौतम के बारे में बताया गया है, सिद्धार्थ गौतम जो आगे जाके गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग की और अपने उन्होंने अपने सर्मन्स को थ्रू आउट वर्ल्ड स्प्रेड किया, अपनी बातों को थ्रू आउट वर्ल्ड स्प्रेड किया और लोगों को अपने अंडरस्टैंडिंग के बारे में, अपनी न्यूली डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग के बारे में लोगों को बताया समझाया। तो इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC में उनका जन्म हुआ था। BC इज बिफोर क्राइस्ट है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का, 563 ईयर्स पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, उनका जन्म जो था वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था। ही वॉज अ प्रिंस, वो एक प्रिंस थे एंड हिज नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम, और उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो उस टाइम पे उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था किसी आश्रम में, और वहाँ पे उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा। इट मीन्स उन्होंने जो भारतीय ग्रंथ होते हैं आपके, जैसे आपका क्या नाम है गीता है, तो उसी तरीके से उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा। और 4 साल बाद जब वो वापस आए तो एट द एज ऑफ 16 उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी और उनका एक बेटा भी था। 10 साल तक उन्होंने एज अ प्रिंस जो रॉयल्टी है उसको कहीं ना कहीं भोगा, उन्होंने अब सुख को भोगा। और जो सिद्धार्थ थे उनको सफरिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनके फादर ने कभी उनको अलाउ नहीं किया कि वो सफरिंग को देखें, जैसे कि उन्हें ओल्ड एज के बारे में, डेथ के बारे में, यू नो इलनेस के बारे में, ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने 25 की एज पे, जब वो 25 के थे, उन्होंने एक सिक मैन को देखा जो बीमार था, फिर एक एजड मैन को देखा जो बूढ़ा था, फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेसर मतलब अंतिम संस्कार जो होता है आपका उसको देखा, और फाइनली उन्होंने एक भिक्षुक इट मीन्स एक मंक को भीख मांगते हुए देखा। तो ये सब कुछ देख के कहीं ना कहीं उन्हें जो रियलिटी है लाइफ की, जो हार्श रियलिटी है उसके बारे में पता चला, और वो इतने ज़्यादा सैड हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इट मीन्स जो एज अ प्रिंस उनके पास सब कुछ है, वो उसको त्याग देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और वो एक बेगर बन गए, और उसके बाद उन्होंने भिक्षा मांगना स्टार्ट किया, ठीक है। और वो वर्ल्ड में निकल गए थे स्पिरिचुअल नॉलेज को सीख करने के लिए, या मैं कहूँ एनलाइटमेंट को सीख करने के लिए, और वो मतलब जो जीवन का उद्देश्य है उसको जानने के लिए निकल पड़े थे। तो गाइस मेरा मानना भी है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम सबकी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है। अब कई लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे कि आपकी लाइफ में ये आपका ऑब्जेक्टिव है। लाइफ का ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ होती है और लाइफ में आपका ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ होती है। थोड़ी गहरी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये लाइफ में मेरा ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है। जहाँ पे मैं मॉनेटरी बेनिफिट को कंसिडर कर सकता हूँ, अपने पर्सनल बेनिफिट को कंसिडर कर सकता हूँ, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन जीवन का मतलब खुद में खुद एक जीवन जो है, जो हम सबको मिला है, उसका एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो हर एक मानव जाति में हर एक इंसान का है, मतलब मानव जाति में हर एक इंसान का है, वो कॉमन है सबका, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फाइनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मोक्ष होता है, ओके, वेद के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे वो एनलाइटमेंट के लिए निकल चुके थे। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है स्क्रीन पे। सिद्धार्थ गौतम वेंडर्ड फॉर 7 ईयर्स इन सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रुथ, मतलब जो सिद्धार्थ गौतम है प्रिंस जो है, उन्होंने 7 साल तक विजडम और ट्रुथ की खोज के लिए लगा दिए, और फाइनली वो एक फिक ट्री, एक ट्री होता है, उसके नीचे जाके बैठ गए और उन्होंने वहां पे तपस्या करना स्टार्ट किया। और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक उनको विजडम नहीं मिलेगी, जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी, तब तक वो वहां से हिलेंगे भी नहीं। और 7 दिन बाद उनको एनलाइटमेंट मिली, और जब वो एनलाइटेंट हो गए तो उन्होंने उस ट्री को नाम दिया बोधी ट्री, इसको द ट्री ऑफ विजडम भी कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने जितने भी समन्स थे वो उस पेड़ के नीचे बैठ के देते थे। और फिर उसके बाद उनका नाम बुद्धा पड़ गया, और द बुद्धा द एनलाइटेंड द अवेकन, क्योंकि उन्हें ज्ञान था, अच्छा खासा ज्ञान था चीज़ों को लेके, और उन्होंने अपने मैसेज को, अपने विजडम और ट्रुथ के मैसेज को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद उनका नाम बुद्धा पड़ गया। तो उसके बाद उनका जो ये धर्म है बौद्ध धर्म, इसका प्रचलन मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस, इट इज द होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस ऑन द बैंक्स ऑफ गंगे, ठीक है। मतलब उन्होंने पहला जो अपना सर्मन दिया था वो कहाँ दिया था, बनारस में दिया था। बनारस जो कि बहुत ही पवित्र स्थान और धाम माना जाता है, और यहाँ पे जो गंगा नदी का किनारा है उसे बहुत ही होली प्लेस माना जाता है, पवित्र जगह माना जाता है। और उनका जो पहला सर्मन है वो उनकी इंटेलिजेंस को शो करता है कि किस तरीके से उनको अच्छा खासा ज्ञान है चीज़ों को लेके, डेथ को लेके था, ठीक है ये सर्मन। और बुद्धा ने बताया है कि डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, कॉमन है, और वो सबको आएगी, और आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हो, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो गाइज इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू सेक्रीफाइस ऑल दोज थिंग्स विच आर वर्ल्डली प्लेजर्स, बहुत हिम्मत चाहिए, आपके पास सब कुछ है और आप उसको त्याग के आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो, जीवन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करो। तो बहुत बोलने में आसान लगता है लेकिन करने में पता चलेगा, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन अबाउट सिद्धार्थ गौतमा, हाउ व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, एंड आई थिंक वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, इनके सरमन के बारे में बताया गया, जो उन्होंने सरमन दिया था, रिलीजियस लेसन दिया था, उसकी कहानी है यह। अ लेडी नेम कीसा गोतामी हैड एन ओनली सन, मतलब एक लेडी थी जिसका नाम है कीसा गोतामी, उनका एक लौता बेटा था। एक दिन उनके बेटे की डेथ हो जाती है और वो कहीं ना कहीं इस बात को यकीन नहीं करना चाहती कि मेरे बेटे की मौत हो गई है, उनको लगता है कि वो बीमार है। वो चाहती थी कि उसके लिए मेडिसिन मिल जाए उनको, ताकि उनका जो बेटा है वो वापस जीवित हो जाए। लोग उनको बेवकूफ़ बोल रहे थे, पागल बोल रहे थे, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि उनका बेटा मर गया है। एट लास्ट जब वो एक मैन से मिली तो उन्होंने दवाई मांगी उस मैन से अपने बेटे के लिए, लेकिन मैन ने बोला कि मेरे पास दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे पर्सन का एड्रेस बता सकता हूँ, एक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का, जो शायद तुम्हारे बेटे को ठीक कर देगा। तो जब वो बुद्धा के पास गई तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेडिसिन चाहिए, लॉर्ड मुझे मेडिसिन चाहिए मेरे बेटे के लिए, ताकि उसे लाइफ मिल जाए। काफ़ी सोचने के बाद बुद्धा ने उससे कहा कि तुम्हें एक मुठ्ठी सरसों के जो बीज है, मस्टर्ड सीड जो है, वो मुझे लाके देने होंगे। लेकिन एक सिचुएशन भी थी कि वो मस्टर्ड सीड एक ऐसे घर से तुम्हें लाने होंगे जहाँ पे किसी के सगे संबंधी की, किसी के दोस्त की, भाई बहन की, किसी की भी डेथ ना हुई हो। ऐसे घर से अगर तुम मस्टर्ड सीड ले आती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। तो शी मस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। तो कीसा गोतामी डोर टू डोर गई मस्टर्ड सीड मांगने के लिए, और उसे मिले भी हर एक घर में। लेकिन जब उसने पूछा कि तुम्हारे घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो उनके जो जख्म थे, भरे हुए जख्म, वो वापस कहीं ना कहीं यू नो पेन करने लगे। तो उन्होंने यही कहा कि आप मस्टर्ड सीड जितना चाहे लेना चाहते हो ले लो, लेकिन प्लीज़ हमारे जख्मों को मत कुरेदो। क्योंकि कहीं ना कहीं कीसा गोतामी को लास्ट में रियलाइज़ होता है कि जीने वाले कम हैं और मरने वाले ज़्यादा हैं। फिर वो सैड हो गई, टायर्ड हो गई, और एक जगह पे बैठ गई और उसने सिटी की लाइट्स को देखा जो कि जल और बुझ रही थी, और फाइनली वो बुझ जाती है, लाइट फाइनली बुझ जाती है। तो उस टाइम पे कीसा गोतामी को रियलाइज़ होता है कि यही ह्यूमन लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि द पर्सन हु हैज़ कम ऑन दिस अर्थ, दैट पर्सन विल हैव टू डाई। और वो सोचती है कि वो कितनी मीन हो गई थी अपने बेटे की डेथ के साथ, जबकि मुझे पता होना चाहिए कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसके बेटे की डेथ हुई है। और लास्ट में शी केम बैक टू बुद्धा एंड आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग, उन्होंने ब्लेसिंग ली उनकी। बुद्धा जो थे उन्होंने सरमन में बताया, लास्ट पैराग्राफ है, कि लाइफ बहुत ही छोटी है, पेनफुल है, हर एक इंसान जिसने बर्थ लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। जैसे एक मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है कुम्हार के द्वारा, वो परमानेंट नहीं है, जिसे एक ना एक दिन टूटना ही है, उसी तरीके से हर एक इंसान को अपनी लाइफ में मरना है। डेथ से कोई भी नहीं बच सकता, एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, और हर एक पर्सन जो दुख मनाता है किसी के मरने पे, वो पर्सन दुख से उसको जीवित नहीं कर सकता, उसको वापस नहीं ला सकता। डेथ और सफरिंग अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, इट मीन्स उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता। जो वाइज लोग होते हैं वो दुख इतना नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता है। जो वीपिंग है, रोने से आपको कभी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, इट मीन्स सुकून नहीं मिलेगा या आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। और अ पर्सन्स पेन बिकम्स ग्रेट बाय ग्रीविंग, दुख मनाने से उसका दुख और बढ़ जाता है और उसकी बॉडी और सफ़र करती है। और द पर्सन हु हैज़ लर्न टू कंट्रोल द ग्रीफ, जिसने ग्रीफ को कंट्रोल करना सीख लिया है, उसी पीस ऑफ माइंड मिलेगा। द पर्सन इज ब्लेस्ड हु हैज़ ओवरकम हिज सॉरो। तो ये हमारा चैप्टर है गाइस, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको गौतम बुद्ध के एक सरमन के बारे में बताया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो गाइस ज़्यादा नहीं है, एक यही है कि सिद्धार्थ गौतम जो थे उन्होंने अपने वर्ल्डली प्लेजर्स को क्यों त्याग दिया था, तो जब उन्हें सब कुछ दिखाई दिया उसके बाद क्या होता है, फिर वो क्यों त्याग देते हैं, मैंने बताई दिया है। दूसरा, कीसा गोतामी के बेटे को क्या हो गया था, फिर वो किसके पास गई थी, फिर उन्होंने क्या लाने को बोला था, लास्ट में कीसा गोतामी को क्या रियलाइज़ हुआ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस वीडियो को पसंद करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। हम आपको वीडियो देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। यू आर वॉचिंग सुमित ठाकुर, और फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और यहाँ पे जो बटन आ रहा है उससे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो गाइस द प्रपोजल जो चैप्टर है वो एक प्ले है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स में से एक है चुबकोव, एक है लोमोव, और एक है नतालिया, जो कि चुबकोव की बेटी है। और चुबकोव और लोमोव ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये लैंडलॉर्ड्स हैं। हालांकि इनका जो पूरा नाम है वो आपकी बुक के अंदर गिवन है, आप शुरुआत में देखोगे तो आपको पूरा पूरा नाम मिल जाएगा। तो आप पूरा नाम भी कर सकते हो, अगर चुबकोव और लोमोव आप इतना भी करोगे तो वो भी आपके लिए इनफ साबित होगा, ठीक है। और इसके जो पैराग्राफ्स मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा वो स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे, और आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर के अंदर, और अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज व्हेन द प्ले बिगिंस वी सी दैट लोमोव कम्स टू मीट चुबकोव एट हिज हाउस, मतलब जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो जो लोमोव है वो चुबकोव के घर पे आता है उससे मिलने के लिए। तो चुबकोव कौन है, हु इज अ फार्मर, वेलकम्स लोमोव। तो फार्मर भी है और साथ में लैंडलॉर्ड भी है, आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो जो चुबकोव है वो लोमोव को वेलकम करता है। हालांकि जो चुबकोव है वो काफ़ी हैरान होता है ये देखे कि लोमोव ने फॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए हैं, और उसको लगता है कि शायद हो सकता है कि वो किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहा होगा।
तो लोमोव उसे बताता है कि नहीं, मैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो लोमोव बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहा होता है, ठीक है, एंड ही काम्स हिमसेल्फ डाउन एंड बिगिंस टू टेल हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जब वो फॉर्मल क्लोज पहन के आया था तो चुबकोव जो था वो ये भी कहता है कि शायद ये मेरे से उधार मांगने के लिए आया है, इसीलिए अच्छे खासे कपड़े पहन के आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लोमोव को आने का जो पर्पस था वो था चुबकोव की जो बेटी है नतालिया उसका हाथ मांगना, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो लोमोव एक्साइटेड होता है और वो बताता है कि मैं क्यों आया हूँ। ही टेल्स हिम दैट ही केम टू हिम मैनी टाइम्स इन द पास्ट ऑल्सो फॉर हिज हेल्प, कि तुम्हें तो पता ही है, लोमोव कहता है तुम्हें तो पता ही है चुबकोव से कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं कई बार तुमसे हेल्प मांगी है और तुमने हमेशा से मेरी मदद की है, बट ही डिडंट हेल्प हिम। हाँ मतलब मैं आया हूँ लेकिन तुमने मेरी इतनी बार मदद नहीं की है। बिफोर टेलिंग द पर्पस ऑफ ए विजिट लोमोव इज एक्साइटेड वंस अगेन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब लोमोव जो है वो चुबकोव को बताता है कि मैं क्यों आया हूँ, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात को नहीं बताता, बल्कि वो राउंड एंड राउंड बात को थोड़ा घुमाता है। और चुबकोव जो है वो लोमोव से बोलता है कि तुम्हें मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो लोमोव वंस अगेन बिगिंस टू टेल चुबकोव अबाउट द पर्पस ऑफ हिज विजिट, सेकंड पैराग्राफ है। तो लोमोव उसे बताने लग जाता है और फिर एक्साइटेड हो जाता है और कहीं ना कहीं वो कहता है कि जो भी मैं बताने वाला हूँ आई थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज द फेट ऑफ आर फैमिलीज, एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुबकोव कहता है कि देखो इधर उधर की बातें मत करो, तुम पर्पस बताओ कि तुम क्यों आए हो। और लोमोव थोड़ी बहुत हिम्मत इकट्ठी करके फाइनली उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हारी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, शादी के लिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही चुबकोव जो है वो लोमोव से ये बात सुनता है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो नतालिया को बुलाने के लिए चला जाता है। और वहाँ पे जब चुबकोव चला जाता है तो उसके बाद लोमोव जो है वो नतालिया से मिलता है, नतालिया वहाँ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चुबकोव जो है उसने नतालिया को ये बात अभी नहीं बताई है कि लोमोव वहाँ क्यों आया है। हालांकि नतालिया वहाँ पे आती है और चुबकोव जो है हालांकि वो तो खुश है, लेकिन नतालिया को ये बात नहीं पता कि लोमोव वहाँ पे क्यों आया है। अब होता क्या है कि नतालिया और लोमोव इन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब इनके बीच में बातचीत हो रही होती है तो कुछ चीज़ों को लेकर इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है। नतालिया को ये बात नहीं पता कि वो रिश्ता लेके आया है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी कुछ कहने लग जाते हैं। लेकिन बाद में जब लोमोव वहाँ से चला जाता है तो नतालिया को और पता चलता है चुबकोव से, अपने फादर से, कि वो रिश्ता लेके आया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो भी लोमोव को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट फिर भी होता है उनके बीच में पहले ही। तो लोमोव अकेला है रूम के अंदर, नेक्स्ट पैराग्राफ, लोमोव इज लेफ्ट अलोन इन द रूम। उसकी जो बॉडी है वो कांप रही है। यार अगर आप एक लड़के हो तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि व्हेन यू जस्ट शेयर अबाउट योर फीलिंग्स टू अ गर्ल एट दैट टाइम हाउ डू यू फील, एंड सपोज वो आपके सामने आने वाली है और आपको उस वक्त बताना हो तो आसान भाषा में बोला जाए कि बोल भी नहीं सकता, हमसे बोला नहीं जाता, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे हाथ पैर कांपने भी लग जाते हैं, तो सेम लोमोव के साथ होता है। तो उसके बाद वो अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचता है कि वो कैसे मैरिज करने के बाद सेटल होना चाहता है और उसे अब डिले नहीं करना चाहिए, उसकी एज भी इतनी हो गई है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। और वो नतालिया के बारे में सोचता है कि वो एक अच्छी खासी हाउसकीपर है, एजुकेटेड है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, तो उससे अच्छी लड़की शायद उसे बिल्कुल भी मिलेगी नहीं। और उसकी एज अब 35 ईयर्स हो चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी खासी एज है, ठीक है, और उसे एक रेगुलेटेड लाइफ को जीना चाहिए। तो आई थिंक 35 इज अ गुड एज बिकॉज एट द एज ऑफ 25 राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू मैरी, सो आई एम थिंकिंग टू मैरी, नो आई एम नॉट थिंकिंग टू मैरी, आई एम गोइंग टू मैरी इन फैक्ट। तो ही सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज लाइक पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट, इंसोमनिया, ऐसी डिजीज उसको है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में गूगल पे, पैल्पिटेशन होना चाहिए, एक्साइटमेंट, इंसोमनिया शायद रिलेटेड टू स्लीप है, सो नहीं पाता बंदा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही शुड मैरी, उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। नतालिया इतने में आती है, जस्ट देन नतालिया कम्स इन, उसके जो फादर है उन्होंने नहीं बताया कि लोमोव क्यों मिलने के लिए आया है उससे, बस वो इतना बताता है कि एक कस्टमर आया है। इवन देन वो वेलकम करती है लोमोव को, लोमोव बात करता है उससे, और मतलब व्हेन शी मेंशंस हिज ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब जब वो मेंशन करती है कि तुम अच्छे खासे कपड़े पहन के आए हो, अच्छे लग रहे हो, तो अगेन वो एक्साइटेड हो जाता है। और वो मैरिज के बारे में बात करे इससे पहले ही वो कांपने लग जाता है क्योंकि वो काफ़ी डर रहा है। नतालिया उसे एनकरेज करती है कि चिंता मत करो, तुम्हें जो बताना है वो तुम बताओ। तो ही सेज दैट कि मैं तुम्हें शॉर्टली बता देता हूँ क्या क्या है, और हालांकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर भी नहीं बता पाता चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ही बीट्स अबाउट द बुश, ही टेल्स हर दैट द लेजे दैट मैनी डिकेड्स देयर फैमिली हैव हैड गुड रिलेशन। He tells her that for the last day, LASI नहीं है, last है, कि वो बताता है कि कुछ पिछले पास डिकेड से, डिकेड मतलब एक डिकेड मतलब 10 साल की, काफी डिकेड से हमारी फैमिली जो है, मतलब जिस तरीके से वो चुबकोव के साथ कर रहा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पॉइंट पे नहीं आता, उसी तरीके से वो नतालिया के साथ भी कर रहा होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। वो बताता है कि हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है, मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं, ये है फलाना ठिकाना ढिकाना, ठीक है। और वो ये भी बोलता है कि हमारी एस्टेट, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आपस में मैच भी करती है। अब यहाँ से ट्रबल स्टार्ट होता है जब वो बोलता है कि उसकी जो जमीन है, मतलब लोमोव की जो जमीन है
ऑक्सन वाबल्स, ऐसे ऑक्सन वाबल्स लिखी हुई है, लेकिन ये ऑक्सन मिडाउस है कि उसकी जो जमीन है ऑक्सन मिडाउस वो नतालिया की जो जमीन है मतलब उसके फादर चुबुकोव की बिर्चवुड उसे टच होती है। तो इस बात पे नतालिया भड़क जाती है और कहती है कि ऑक्सन मिडाउस हमारी जमीन है, तुम्हारी जमीन नहीं है। एंड दे ले देयर क्लेम्स टू इट कि हमारे क्लेम है उस पर, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि वो तुम्हारी है। और वो लड़ने लग जाते हैं ऑक्सन मिडाउस की ओनरशिप को लेकर, और वो दोनों एक दूसरे पर लाउडली शाउट करने लग जाते हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं होते। हालांकि जो यू नो लोमोव है वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वैसे ही गिफ्ट कर दूंगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि वो शुरुआत से हमारी है। अब एक्सप्लेनेशन आती है उसको लेकर लोमोव की तरफ से कि वो जमीन तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी है और रियलिटी में वो हमारी कैसे है, वो ये बातें क्लैरिफाई करता है। अब फोर्थ पैराग्राफ है कि चुबुकोव कम्स इन एंड फाइंड्स देम बोथ क्वारलिंग। चुबुकोव आता है और वो देखता है वो लड़ रहे हैं, वो सरप्राइज हो जाता है, और जब वो देखता है कि वो ऑक्सन मिडाउस की ओनरशिप को लेके लड़ रहे हैं तो उस टाइम पे वो भी गुस्से में आ जाता है और वो काम होने की जगह उसको और ज़्यादा डांटने लग जाता है लोमोव को। कहता है कि वो जमीन तो हमारी है और हम ही मिडाउस के ओनर हैं। और यहाँ तक कि वो डांटता नहीं है बल्कि लोमोव को इंसल्ट भी करता है उसकी फैमिली को लेके। लोमोव भी इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ करता है चुबुकोव के लिए, नतालिया के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो बात बनने की बगैर बिगड़ जाती है, उसकी जो पैल्पिटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और चुबुकोव उसे बताता है नतालिया को कि देखो तुम्हारा रिश्ता लेके आया था, बड़ा आया। नतालिया जैसे ही सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है और वो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम उसे वापस लेके आ जाओ, टू आस्क हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। तो लोमोव आएगा गाइस, यहाँ पे TOMOR लिखा है, वहाँ लोमोव आएगा। चुबुकोव फील सैड, ही सेज दैट इज द बिगेस्ट मिसफॉर्चून टू बी द फादर ऑफ अ गर्ल। वो इतने में कहता है कि एक लड़की का पिता होना एक बहुत ही बड़ा मिसफॉर्चून होता है, क्योंकि देखो अभी तो लड़ रही थी, अब क्या कह रही है, अब उसे बुलाने जाओ। तो वो लोमोव को बुलाने के लिए जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। वो पॉइंट ये है कि जब इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था ना नतालिया और लोमोव के बीच में, और फादर उसका नहीं आया था चुबुकोव, तो उस बीच लोमोव ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम्हारी ये जमीन है क्योंकि मेरी जो आंट है, मतलब लोमोव की आंट जिनकी डेथ हो चुकी है अब, तो लोमोव की जो आंट थी उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ध्यान से सुनना, लोमोव की जो आंट थी उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने चुबुकोव के, मतलब जो चुबुकोव है नतालिया का फादर, चुबुकोव के फादर के ग्रैंड फादर, मतलब कि चुबुकोव के ग्रेट ग्रैंड फादर, उनको, उनके जो पीजेंट्स हैं, उनके जो किसान हैं, उनको ये जमीन दी थी ऑक्सन मिडाउस। मतलब लोमोव की जो जमीन है ऑक्सन मिडाउस वो उसकी आंट की ग्रैंड मदर ने फादर के, चुबुकोव के फादर के ग्रैंड फादर के जो किसान थे पीजेंट्स, उनको काम करने के लिए ऐसे ही फ्री के यूज में दी थी, इसीलिए सारा कंफ्यूजन हो रहा है। तो लोमोव बताता है नतालिया को कि तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये जमीन तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को काम करने के लिए दी थी, और काम करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो पीजेंट्स हैं वो बदले में क्या करेंगे, मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर है उनके लिए ब्रिक्स बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन प्ले में गिवन है एक पर्टिकुलर डायलॉग में, तो वो आप उसको सर्च करना और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स, तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स, तो ये आपको सही से पढ़ लेना है। ओके, अब लास्ट, यहाँ पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है गाइस। लोमोव के जाने के बाद जब चुबुकोव उसे बुलाने के लिए जाता है तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, लोमोव अगेन एंटर्स द रूम, नतालिया थिंक्स दैट शी विल नॉट एनॉय हिम दिस टाइम। तो अब वो आता है तो नतालिया सोचती है कि मैं उसे अब एनॉय नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी, और वो उसे खुश करने की कोशिश करती है, और वो ये भी कहती है कि हाँ मिडाउस तुम्हारी जमीन है, और वो टॉपिक को चेंज करती है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, ठीक है। और हालांकि वो इतना ठीक नहीं है, दिल का तो मरीज है ही वो, और वो डिस्टर्ब फील कर रहा है, और लोमोव स्टार्ट प्रेजिंग द क्वालिटीज ऑफ हिज डॉग गेस। तो उसके पास एक कुत्ता होता है गेस, इसकी ये वो होगी क्या नाम है आपकी ब्रीड गेस, तो उसने 125 रबल्स का खरीदा था, उसे रबल्स करेंसी है। यहाँ पे नतालिया कहती है कि मेरा जो डॉग है स्क्वीजर, मेरे फादर ने 85 रबल्स का खरीदा था। अब अगेन उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट कुत्ते को लेकर होने लग जाता है गाइस, इज मच बेटर देन लोमोव डॉग गेस। वो कहती है कि स्क्वीजर जो है वो गेस से ज्यादा अच्छा होता है, और वो अपने अपने डॉग्स की क्वालिटीज बताते हैं, लेकिन बाद में वो लड़ने लग जाते हैं ईच अदर एक दूसरे पे। चुबुकोव आता है और उनको रोकता है, हालांकि जो वो था ना कुत्ता उसका गेस, उसके बारे में बोलता है कि मेरा जो कुत्ता है वो मतलब अच्छा हंटर है तुम्हारे कुत्ते के कंपैरिजन में, और वो ये भी बोलता है कि स्क्वीजर जो है उसका जो ऊपर का जो है वो चीजे वाले से छोटा होता है। तो ये सारी बातें होती हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो एक्चुअली क्या था। और लोमोव की कंडीशन वापस बिगड़ जाती है और वो चेयर पर गिर जाता है। फादर और डॉटर जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि वो मर गया है, और वो रोने लग जाती है कि मैं उससे नहीं शादी कर पाई, लेकिन वो मरा नहीं होता, वो वापस सेंसेस में आ जाता है। और चुबुकोव नतालिया को कहता है लोमोव से शादी करने के लिए, और वो अब शादी करने का सोचते हैं। नतालिया अपनी विलिंगनेस शो करती है, और चुबुकोव जो है वो नहीं चाहता कि ये मोमेंट चला जाए, और वो उनके हाथ मिला देता है आपस में, और वो एक दूसरे को किस करते हैं, और दे स्टार्ट क्वारलिंग अगेन, दे स्टार्ट डिबेटिंग द क्वालिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स। प्ले लास्ट में ओवर हो जाता है। इस पोयम के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि बुरे के लिए होती हैं, लेकिन वो भी अच्छे के लिए होती हैं, ठीक है। हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस पोयम, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या लिखा है, इसमें लिखा है द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है हमारे यू नो घर में आसपास आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इल ओमेंस होते हैं,
और हम उन इल ओमेंस पे बिलीव करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे आसपास के एनवायरमेंट में कई सारे लोग हमारे को इनके बारे में बताते हैं, ठीक है, तो हम भी बिलीव करने लग जाते हैं सुनते 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 सुनते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सुना है जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो पार नहीं करना चाहिए, हम वेट करते हैं रुके भाई पहले कोई दूसरा बंदा आए ताकि उसके साथ बुरा हो और मैं निकल जाऊं वहां से। दूसरी जगह पे अगर कोई शुभ काम हो रहा है, शुभ काम की बात हो रही है, छींक दिया किसी ने या कोई कहीं जा रहा है छींक दिया किसी ने, तो इट इज़ अ साइन कि कुछ बुरा होगा उस पर्सन के साथ या कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिए कि आपने कोई एक्स्ट्रा सुना है इसके अलावा। ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पे इस पोयम के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जिनको इल ओमेन माना जाता है, मतलब अशुभ माना जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हेमलॉक ट्री की, तो हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, क्योंकि इसका जो पेड़ होता है हेमलॉक ट्री का, इसका जो फल है, ठीक है, उसे कहते हैं धतूरा हिंदी में, ठीक है, और ये पॉइजनस होता है, तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं, इल ओमेन मानते हैं। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रो, तो क्रो भी क्या होता है हमारा, इल ओमेन होता है, ठीक है, अशुभ संकेत देता है। जैसे क्रो जो है उसको हम पॉजिटिव नहीं मानते बल्कि नेगेटिव मानते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप कभी किसी क्रो को फेस करते हो या किसी हेमलॉक ट्री को लेके कुछ होता है तो वहां पे ही माना जाएगा कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। लेकिन इस पोयम में हमने देखा है कि कैसे जो पोएट है उसकी लाइफ के अंदर एक दिन इन दोनों चीजों की वजह से कुछ नेगेटिव नहीं होता बल्कि कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या पॉजिटिव होता है उसके साथ, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें लिखा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। शूक जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, शेक की। तो होता क्या है, जो पोएट है वो बेसिकली जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड या निराश होता है, किसी वजह से कोई परेशानी होगी या किसी टेंशन में होगा, और वो बैठता है या फिर हो सकता है वो खड़ा होगा हेमलॉक ट्री के नीचे। तो इतने में क्रो होता है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर शायद बैठा हुआ है या फिर हो सकता है कि उड़ के कहीं से आया है, और उसके शेक करने से या उसके हिलनाने से कह सकते हैं या उसके अपने आप को कपाने से कह सकते हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो की कुछ डस्ट जो थी, कुछ पार्ट जो था जो उस पेड़ पे सेटल हो रखा होगा स्नोफॉल की वजह से, वो किसके ऊपर गिर जाती है, पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से गिरती है। Has given my heart a change of mood. तो पोएट का जो हर्ट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो पोएट का मूड होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि उसका मूड जो था वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। देखो कैसे लिखा है ना, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड। तो सेव किया है मतलब उस एक्शन ने, उस एक्टिविटी ने उसे क्या किया है, सेव किया है, उसके दिन का एक पार्ट सेव किया है ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड। रिव्यूड का मतलब हो सकता है कॉन्फ्लिक्टेड या इरिटेटेड या टेंशन में, या फिर हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड या सैड अपसेट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब उसके दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है जब वो डिसअपॉइंटेड होता है। मतलब जो ये दो नेगेटिव साइन है, इन दोनों नेगेटिव साइन की वजह से उसका जो लाइफ है उस दिन, उसका जो डे है, उसमें पॉजिटिव चेंज आता है, नेगेटिव चेंज नहीं बल्कि पॉजिटिव चेंज आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही हमारा जो पोयम है इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है। इससे ज्यादा भी पढ़ोगे कोई फायदा तो है नहीं यार, देखो थोड़ी छोटी सी पोयम है और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी बातें अगर तुम्हें पता होंगी तो तुम आसानी से इसके अंदर आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। और ज्यादातर बताऊं तो पोयम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है पोएट का नाम याद करो, जो फिगर ऑफ स्पीच पोयम के अंदर यूज होती है उनको याद करो कि भाई कौन से फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज होती है, कौन सी पोयम में कैसे यूज होती है, और कैसे राइमिंग स्कीम जो होती है पोयम की, हमें कैसे पता चलती है राइमिंग स्कीम क्या है पोयम की, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस की बात करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। और हर एक वर्ड का जो मीनिंग है आपको वो जरूर पता होना चाहिए पोयम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइमिंग स्कीम कैसे डिस्कवर करते हैं, पोएटिक डिवाइस कौन सी होती हैं, कैसे पोयम में कौन सी हो रखी हैं, उन सब की डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा। तो ये पोयम गाइज यहीं पे एंड होती है। इस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वी हैव कंप्लीटेड द पोयम। वैसे तो इस पोयम का नाम अ टाइगर इन द जू है, लेकिन यहाँ पे हम एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक टाइगर अगर जू में, मतलब चिड़ियाघर में होता है, या फिर जू में नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट में होता है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। मतलब एक टाइगर अगर जू के केज में है और अगर खुला एक जंगल के अंदर है तो उसके बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप पोयम स्टडी करते हो तो उसके पोएट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तो पोएट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू और इसके पोएट का नाम है लेस्ले नॉरिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पांचों के पांचों जो स्टेंजा हैं, ठीक है, पोयम के लिख रखे हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुक्स को जरूर निकाल लीजिए और बुक्स को निकालने के बाद जो उसमें स्टेंजा लिखे हुए हैं उसके थ्रू मेरे साथ साथ पोयम को पढ़िए। मैं आपको इसके अंदर कुछ और भी बातें बताऊंगा, सीधी सीधी ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि जो पोयम होती है इट इज नॉट अबाउट ट्रांसलेशन, इट इज अबाउट एनालिसिस। तो आप एनालिसिस करोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इस पोयम की बात करूं तो हमारे को किस चीज के बारे में बताया गया है, कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताया गया है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिशन, मतलब एक टाइगर जू में और एक टाइगर फॉरेस्ट में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है।
तो हमारा जो पहला स्टेंजा है वो बेसिकली हमें बताता है एक टाइगर के बारे में जो एक केज में है, इट मींस एक जू के अंदर. ओके तो क्या लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो स्ट्राइप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उसकी धारियां हैं, जो ब्लैक कलर की धारियां हैं, और विविड का मतलब होता है क्लियर, और स्टॉक्स का मतलब होता है स्लोली मूविंग. ज्यादातर जो एनिमल्स हैं जब किसी एक दूसरे एनिमल पे अटैक करते हैं तो उस टाइम पे उसे स्टॉकिंग कहा जाता है. ठीक है, दबे पांव वो जाते हैं आगे की तरफ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो वो टाइगर जो है वो बहुत ही स्लोली मूव कर पाता है और बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हुए वो बहुत ही कम स्टेप्स ले पाता है केज के, क्योंकि जो केज है वो लॉक्ड है और वो उससे ज्यादा चल नहीं सकता. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो कोई भी जो एनिमल होता है ज्यादातर अगर हम स्पेशली यहाँ पे टाइगर की बात करें तो उनका जो फीट होता है, जो पैर होता है, उसके नीचे जो उनका तलवा होता है, ठीक है, वो बहुत ही मखमली होता है. क्लियर, उसे पैड बोला गया है यहाँ पे. ठीक है, सॉफ्ट होता है बहुत ही ज्यादा. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो वेलवेट जैसे कपड़ा होता है ना बहुत ही सॉफ्ट, वैसे ही होता है वो क्वाइट. वो एकदम क्वाइटली अगर मैं बात करूं तो वहां पे शायद वो क्वाइटली है, मतलब क्वाइट है, बहुत ज्यादा शांत है. इन इज क्वाइट रेज, हालांकि वो क्वाइट है, शांत है, लेकिन रेज में है, मतलब गुस्से में है, क्योंकि उसे वहां पे क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है बार्स के बिहाइंड, तो शायद वो उस वक्त गुस्से में है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में हमारे को टाइगर के बारे में क्या बताया जा रहा है, कि जो टाइगर है वो जू में है और क्या है, बाउंडेड है, मतलब उसकी जो फ्रीडम है उसके पास नहीं है. टाइगर इज बाउंडेड हियर और वो गुस्से में है. ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा में हमारे को बताया गया है जू के टाइगर के बारे में नहीं बल्कि फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में. ठीक है, तो फॉरेस्ट में टाइगर का बिहेवियर क्या होता है, और मैं एक और बता दूं, यहाँ पे ही वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये पोएम जो है वो पर्सोनिफाइड है. यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी पोएम को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वहां पे कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस होती है जिनका यूज होता है. ठीक है, और उन फिगर ऑफ स्पीचेस के अंदर आपकी मेटाफर है, एलिट्रेशन है, सिमली है, पन है, ऑक्सीमोरॉन है, हाइपरबोल है, बहुत सारी हैं आपकी. ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है वो एक एक करके आपको बताऊंगा. ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसे मानवीयकरण कहते हैं. इसका मतलब किसी भी एनिमल या किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन क्वालिटीज का होना. तो ये पर्सोनिफाई ही जो है यहां पे एनिमल को बोला गया है, वैसे एनिमल के लिए इट आता है लेकिन यहां ही बोला गया है, तो पर्सोनिफाई किया गया है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो लर्किंग का मतलब यहां हाइडिंग है. तो एक्चुअली में जो टाइगर है उसे क्या करना चाहिए, छिपना चाहिए. कहां पे छिपना चाहिए, शैडो में छिपना चाहिए. इट मींस कि जो एनिमल्स हैं उसमें स्पेशली जो टाइगर है जब भी वो अटैक करता है किसी को तो वो क्या करता है, छुप के अटैक करता है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास होती है उसे स्लाइड करते हुए निकलता है. और कहां पे आता है, वाटर होल. वाटर होल मतलब ये वो प्लेस है जहां पे पानी इकट्ठा है और एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं. और वेयर प्लम डियर पास, प्लम का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा. ठीक है, तो जब डियर जो है हट्टा कट्टा वहां से पास होता है तो वहां पे छिपके घात लगाता है, उसके ऊपर अटैक करता है. तो ये जो जू का टाइगर है उसकी हम बात नहीं कर रहे बल्कि फॉरेस्ट के टाइगर की बात कर रहे हैं. तो यहां पे अगर हम फॉरेस्ट के टाइगर की बात करें तो इसके पास क्या है, यहाँ पे फ्रीडम है. समझ में आया, क्लियर. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में देखते हैं हम. थर्ड स्टैंजा में भी हमें फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में ही बताया गया है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. स्नार्लिंग का मतलब होता है यू नो दांत दिखाना. अपने जो दांत होते हैं ना, जो नोकीले दांत होते हैं साइड में जो टाइगर्स के, ठीक है, कार्निवोरस जो टीथ होते हैं उसके, ठीक है, वो उसको स्नार्ल करता है, उससे आवाज करता है उस टीथ से. एट द जंगल्स एज, मतलब जो जंगल का कॉर्नर है जहां पे बस्ती होगी लोगों की, वहां पे लोगों को डराता है. बेरिंग का मतलब यहाँ पे शोइंग है, शो करता है. वो क्या शो करता है, अपने वाइट फैंग्स, मतलब वही जो टीथ हैं उसके नोकीले वाले, उनको शो करता है. अपने क्लॉज मतलब पंजों को शो करता है. टेररराइजिंग द विलेज, और विलेज को क्या करता है, वो डराता है, धमकाता है, टेररराइज करता है, खौफ में रखता है. ठीक है, तो ये हमारे को बताया गया है फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में. फर्स्ट जू वाला, देन फॉरेस्ट, देन फॉरेस्ट. अब अगला स्टैंजा फोर देखिए क्या लिखा है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. ठीक है, तो यहाँ कंक्रीट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एलिट्रेशन एक बार को कह सकते हैं, लेकिन स्टिल आप एक बार सही से इसको स्टडी कर लेना. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी और सी आ रहे हैं और जो दोनों वर्ड्स हैं उनकी जो उनका जो रिदम है वो भी सेम है. तो कंक्रीट सेल में एलिट्रेशन है ज्यादातर. वैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो दो वर्ड्स एक साथ आएंगे और पहला लेटर उनका सेम होगा, कंक्रीट सेल. क्लियर, लेकिन इसकी थोड़ी सी एडिशनल डेफिनेशन भी है, उसको भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें सिर्फ ये चीज नहीं बल्कि साउंड्स को भी देखना होता है हमें. ठीक है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो जू के अंदर एक कंक्रीट सेल में बंद है. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जैसे कि बिहाइंड बार्स में भी एलिट्रेशन हो सकता है, एक बार आप स्टडी कर लेना. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो कंक्रीट सेल में बंद है, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो केज को ही सिर्फ नाप सकता है अपने मूवमेंट से. इग्नोरिंग विजिटर, और विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है, क्योंकि जो विजिटर्स हैं वो उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, उसकी फोटो लेते हैं, और उसका ऐसा नेचर नहीं है, उसका ऐसा बिहेवियर नहीं है कि वो लोगों के साथ इस तरीके से फैमिलियर होने वाला है. ठीक है, तो ये वाला आपका बाउंडेड वाला है, मतलब जू वाला. अब लास्ट स्टैंजा में देखो क्या लिखा है. ही हियर्स अ लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब जो टाइगर है अगर वो जू में नहीं बल्कि फॉरेस्ट में होता है तो वो एक ऐसा एनिमल है जो नाइट में सबसे आखिरी जो वॉइस होती है उसको सुनता है. इसका मतलब वो बहुत देर रात से सोता है. द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब किसकी आवाज सुनता है वो, पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है, पुलिस की कार्स होती है जिनमें सायरन लगा हुआ होता है और जो देखती है कि कुछ सब कुछ ठीक है या सही है या नहीं है. एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या करता है अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को वो स्टेयर करता है, देखता है रात को. तो ये
टाइगर इन द जू, और इसके अंदर हमारे को कंपैरिजन बताया गया है एक जू और एक फॉरेस्ट के टाइगर के अंदर। और राइमिंग स्कीम की बात करूं तो राइम स्कीम क्या होती है, जो एंडिंग होती है पोयम की वो किस तरीके से राइम कर रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो एंडिंग यहां देखो लिखा है स्ट्राइप्स, तो स्ट्राइप्स राइम कर रहा है ए, तो पहली जो राइमिंग होगी उसे हम ए कहेंगे। अगर ये फिर से कहीं पर रिपीट होता है साउंड एंडिंग वाला तो उसको भी हम ए ही मानेंगे। तो स्ट्राइप्स और केज में कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो ये हो गया बी। अब क्वाइट और स्ट्राइप आपस में सेम है तो ये हो गया ए, और केज और रेज आपस में सेम है तो केज को मैंने बी दिया है तो ये भी हो गया बी। अब यहां देखो शैडो, तो शैडो का मतलब क्या है यहां पे, शैडो इन ए और बी से अलग है तो ये कौन सा आ जाएगा आपका सी। फिर ग्रास वाला हमारा अगेन नया है तो ये आ गया डी, और शैडो ग्रास होल, अब होल एकदम नया आ गया तो ये हो गया आपका ई, और पास इसके साथ आ गया तो ये हो गया आपका डी। तो इस तरीके से हमारी जो राइमिंग स्कीम है हम लिख सकते हैं। कई बार पोएम में स्टैंजा गिवन होता है और वहां पूछा जाता है कि विच राइमिंग स्कीम इज यूज इन द पोएम, तो मान लो ये वाला स्टैंजा अगर आ गया तो यहां पे राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, समझ में आया, दूसरे में है। अगर ये वाला मान लो सिर्फ अकेला आएगा तो ज्यादातर ए बी ऐसे करके या ए बी सी ऐसे करके आता है, दोनों स्टैंजा तो आएंगे नहीं, तो इसी हिसाब से हमारे को देखना है एक ही स्टैंजा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी पोयम थी, आई होप आप लोगों को ये पोयम अच्छी लगी होगी। अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आई होप इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ऐसा कोई नहीं है, बस आपको पूरे के पूरे पोयम का एनालिसिस पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और साथ के साथ हर एक लाइन क्या कन्वे करना चाहती है ये भी पता होना चाहिए। तो गाइज, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि ये पोयम है, इसके पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स, और इस पोयम के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा आता है दैट इज इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इफ ही रोवर्स एट यू एंड यू आर डाइन यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो टेल हम कंसिडर कर सकते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कौन सा एनिमल कौन सा है, उसके क्या यू नो क्लूज हैं जिससे हम एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है कि दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट, ह्यूमरस पोएम मतलब मजाकिया टोन में लिखी गई है, सम डेंजरस वेज, की कुछ डेंजरस वेज हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को, और आपको इसे स्ट्रांगली रीड करना है रेगुलर रिदम के साथ। तो पहली जो लाइन है वो ये है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, मतलब अगर बाय चांस आप जंगल में पहुंच जाते हो वो भी ईस्ट में, तो इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर तुम आगे की तरफ बढ़ते हो आगे जाते हो और एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट, ब्राउनिश बीस्ट है जो कि आपको दिखाई देता है, बीस्ट मतलब जानवर दिखाई देता है, और इफ ही रोअर्स, और अगर वो रोअर करता है, रोअर आवाज है उसकी, एंड यू आर डाइंग, डाइंग जो है वो डाइंग का कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ जी जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, शॉर्ट किया गया है, एंड यू आर डाइंग, आप मरने लगो उसके रोअर करने पर, आप कांप जाओ, आपकी रूह कांप जाए, ठीक है, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एशियन लायन है। तो क्योंकि एशियन लायन जो होता है वो इसी तरीके से रोअर करता है, और ब्राउनिश शेड होती है उसकी, और लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है। सेकंड स्टैंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न दैट द बंगाल टाइगर इज टू डिस्टर्न या डिसर्न, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद अगर आप रोम किसी तरीके से उससे बच गए पिछले वाले एनिमल से, और आप थोड़ा रोम करते हो, इधर उधर घूमते फिरते हो, एक नॉबल मतलब एरिस्टोक्रैट, एक हाई क्लास का जो यू नो एनिमल है, वाइल्ड बीस्ट जो है वो आपको स्वागत करता है, ग्रीट करता है, और उसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, और उसकी जो बॉडी का बैकग्राउंड है, जो सरफेस है वो येलो कलर का है, तो जस्ट नोटिस अगर वो आपको खा जाए तो ये सिंपल रूल है कि भाई आपने क्या देखा है, एक बंगाल टाइगर को देखा है, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई करना। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, If strolling for the beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, and it will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि with if strolling for, moving forward या moving away, आप एक beast को देखते हो, you view देखते हो, whose hide मतलब उसकी skin को बोला गया है, with spots is peppered मतलब कि जैसे pepper नहीं करते छिड़क देते हैं, ऐसे ही spots जैसे मानो छिड़के हुए हैं उसकी पूरी की पूरी body पे spots हैं, और अगर देखते ही वो आप पे उछल के आता है, एंड यू विल नो इट इज द लेपर्ड, अगर वो उछल के आपके ऊपर आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लेपर्ड है, और इट विल डू नो गुड मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला चिल्लाने से पेन के साथ, क्योंकि वो उछलते रहेगा आपके ऊपर आते रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टैंजा है गाइस, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आपका जो प्लेस है, जो भी जगह है वहां पे आप वॉक कर रहे हो राउंड, और यू मीट अ क्रिएचर देर, आप वहां एक क्रिएचर से मिलते हो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग कर लेता है, तो बी श्योर कि एक बैर है, बियर नहीं कहते, से बैर कहते हैं, और इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट है आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस, कैरस इट मीन्स अ जेंटल टच, क्योंकि भालू इस तरीके से हमला करता है, जैसे ऐसे करके आता है, यू करता है, ठीक है, तो वो आपको हग करता है।
नेक्स्ट है दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश होता है डिफ्रेंशिएट करना, कि अगर आप बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब जो एनिमल्स हैं, प्रे मतलब जो शिकार होता है उसके जो एनिमल्स हैं, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, अगर आप उसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मतलब कोई नौसिखिया या कोई फ्रेशर बंदा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे पता नहीं है ज्यादा, तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है, हो सकता है कि वो क्रोकोडाइल को हियाना समझ ले और हियाना को क्रोकोडाइल, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हियाना, हो सकता है आप क्रोकोडाइल को हियाना समझ लो, तो हियाना जो होता है वो मैरी स्माइल के साथ आता है और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो रोते हैं क्योंकि उनकी आंख जो होती है वो हमेशा नशीली लगती है और दे आर लाइक दे ऑलवेज वीप, ऐसा बोला जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स व्हाई, बिकॉज दे नेवर क्राई बिकॉज दे ऑलवेज लिव इन वाटर, सो इट अपीयर्स, बट दे से ना दैट यू आर वीपिंग विद क्रोकोडाइल टीयर्स, इट मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली वीपिंग, व्हाई, बिकॉज क्रोकोडाइल्स डोंट क्राई और वीप, ठीक है। लास्ट सेंस में द ट्रू चैम्बलियन इज स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब अगर जो चैम्बलियन है वो बहुत छोटा होता है, गिरगिट कहते हैं इसको, छिपकली की तरह होता है और उसके कान नहीं होते, और अगले ही पल अगर आप देखते हो पेड़ पे, आपने एक ऐसा एनिमल देखा और अगले ही पल आप देखो और वहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब आपने चैम्बलियन ही देखा था, क्योंकि वो रंग बदल लेता है और हमें कई बार दिखाई नहीं देता। तो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज, ये जो टी आई एस लिखा है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज का, तो इट इज द चैम्बलियन यू सी, तो इस पोइट का नाम कैरोलिन वेल्स है। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमारी एक डिफरेंट वीडियो है पोइटिक राइमिंग स्कीम को और फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने की, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे पोएटिक डिवाइस फाइंड आउट करते हैं और कैसे फिगर ऑफ स्पीच, मतलब पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच बातें की है और कैसे राइमिंग स्कीम निकालते हैं पोएम की, तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। तो गाइज यहाँ शुरुआत में एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है, अ बॉय लूजेस अ बॉल, और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, बॉल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है और दूसरी बॉल को खरीदना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो क्यों है वो हम पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर। तो इसमें पूरा का पूरा कंटिन्यू पोएम है, कोई स्टैंजा नहीं है, कंटिन्यू पोएम है, ठीक है, लॉन्ग पोएम है और इसके पॉइंट का नाम है जॉन बैरमैन। तो फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल टू, मतलब कि वो लड़का जिसकी बॉल खो गई है अब वो क्या करेगा, व्हाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए। आई सॉ इट गो, पॉइंट कहता है कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था, मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि वो बॉल जैसे मानो खुशी के मारे मैरली बाउंस करते हुए जा रही थी स्ट्रीट से, एंड देन मैरली ओवर जाके वो पानी में चली गई है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, मतलब इस बात को अगर आप कहो कि और भी बॉल्स है चिंता मत करो, पानी में चली गई तो क्या हुआ, दूसरी ले लेना, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब बहुत तगड़ा वाला दुख जो है वो उस बॉय को फिक्स कर देता है, फिक्स करने का मतलब थाम लेता है, जकड़ लेता है, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैवलिंग स्टेयरिंग डाउन, और उस वक्त वो रिजिड मतलब बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, एकदम कठोर एकदम सख्त तरीके से वहां खड़ा रहता है, ट्रैवलिंग इवन कांप भी रहा होता है और स्टेयरिंग डाउन अपनी बॉल को नीचे की तरफ देख रहा होता है उस जगह पे जहां पे वो गई है। और ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, अब उसके पूरे के पूरे जो यंग डेज हैं जब उसने उस बॉल के साथ खेला था वो सब कुछ हार्बर में चले गए, हार्बर वैसे बंदरगाह को कहते हैं जहाँ पानी होता है, ठीक है, तो वहाँ चले गए हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पॉइंट कहता है कि मैं उसे अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं उसे दखलंदाजी नहीं करूंगा। अ डाइम, डाइम होता है 10 सेंट का कॉइन, तो एक डाइम भी उसे दे दो, चाहे आप उसे कोई दूसरी बॉल दे दो, ये सब कुछ उसके लिए वर्थलेस है, कोई फायदा नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब उसे रियलाइज होता है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जिन चीज़ों से उसका अटैचमेंट है उसको उसको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, पोसेशन मतलब जो हमारी अमानत है, ठीक है, तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक इंसान की कोई ना कोई अमानत है, कुछ ना कुछ उसका है, तो पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मतलब कि लोग तो ऐसे बॉल लेते ही रहेंगे और बॉल खोती रहेगी। तो कहने का मतलब कि किसी नई चीज़ को खरीदना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी चीज़ को संभाल के रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो बॉल तो खरीद लेगा, लेकिन जो वो वाली बॉल थी उसके साथ उसका एक अलग अटैचमेंट है, बचपन से वो बॉल उसके पास है, तो उस बॉल में और बाकी की बॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो हर एक चीज़ जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, जो जेन्युइन लव होता है वो नहीं खरीद सकता, जो आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं वो नहीं खरीद सकता पैसा, समझ में आ रहा है। आप पैसे से एक केयर टेकर जरूर रख सकते हो, आप पैसे से एक बेबी सिटर जरूर रख सकते हो, लेकिन जो रियल लव है वो आपको नहीं मिल सकता। He is learning well behind his desperate eyes. जो उसकी आईज है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ सीख रहा है, और the epistemology of loss, मतलब वो ये सीख रहा है कि हमें कैसे रिकवर करना है, किस चीज़ से रिकवर करना है, लॉस से। epistemology का मतलब यहाँ पे guys नॉलेज है, उसे ये सीखना है कि हाउ टू स्टैंड अप, की वापस खड़ा कैसे होना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब ये चीज़ ऐसी है जो किसी ना किसी पर्सन को कभी ना कभी सीखनी ही है, एक ना एक दिन किसी ना किसी को सीखना ही होता है ये, एक ना एक दिन कोई ना कोई गिरता ही है नीचे और वापस उसे संभलना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज गिरते हैं और रोज खड़े होते हैं। तो गाइज कहने का मतलब यही है कि हमारी लाइफ में अगर हमें सक्सेस को पाना है तो उसके लिए हमें फेलियर्स को एक्सपीरियंस करना होता है। जैसे कि एक फेमस लाइन है एक फेमस मोटिवेटर के द्वारा, कौन से मोटिवेटर के द्वारा है आप कमेंट में मैंशन कर सकते हो, दैट इज दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस
एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस. समझ में आया? तो गाइस, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एज अ टीनेजर हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमारे को मना करा जाता है, हमारे को रोका जाता है, हमारे को बोला जाता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ. तो कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे को मना करते हैं, और शायद हमारा भला ज्यादा उन्हें अच्छे तरीके से पता है इसीलिए वो ऐसा करते हैं. हालांकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा सही है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें इंटरप्ट करते हैं और हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें और मुझे बताएं कि ऐसा अगर आपके साथ होता है तो क्या हुआ आपके साथ रिसेंटली. तो इस पोयम के अंदर भी एक लड़की है जिसका नाम अमांडा है, और अमांडा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं से बार बार इंटरप्ट किया जाता है. उसकी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया के अंदर वो अपनी अलग लाइफ जीती है. उसके जो पेरेंट्स हैं उसे बार बार इंटरप्ट करते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन वो अपनी लाइफ को बिना किसी बाउंडेशन के जीना चाहती है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेम चीज लिखी हुई है स्टार्टिंग में कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और शायद हो सकता है आपको भी फील होता हो कि मेरी फ्रीडम छीन ली गई है. तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हमारे को बताया गया है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके साथ सेम चीज हो रही है, हम अपने कैरेक्टर को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. तो गाइस, फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्लॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. मतलब कि जो पोएट है वो हमें बताता है कि कैसे अमांडा के पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि तुम अपने नेल्स को मत चबाओ, तुम अपने शोल्डर्स को मत उचकाओ अमांडा, और तुम झुक के मत खड़ी हो, स्ट्रेट खड़ी हो अमांडा. तो ये सारी की सारी बातें जो है वो अमांडा को बोली जाती हैं उसके पेरेंट्स के द्वारा. लेकिन जो अमांडा है वो उसकी अलग ही दुनिया है. अब यहाँ आगे ब्रैकेट में जो लाइन दी गई है वो अमांडा सोच रही है, वो उसके थॉट्स में क्या चल रहा है वो हमारे को पता चलता है. तो देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी. तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ लैंग्विड, हम स्लो भी कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा शांत भी कह सकते हैं, कि एक एमराल्ड सी है. ठीक है, हरे कलर का पत्थर होता है एमराल्ड, सेम उसी कलर का एक सी है पूरा का पूरा, जहाँ पे अकेली रहने वाली जो इनहैबिटेंट है, जो बींग है, जो स्पीसी है, या मैं कहूँ जो प्राणी है, वो सिर्फ अमांडा है, इज अ मरमेड. और वो मरमेड है उस टाइम पे, एक जलपरी है, ड्रिफ्टिंग जो मूव कर रही है ब्लिसफुली, मतलब आशीर्वाद के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इरिटेशन के. तो वो चाहती है कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे मैं अकेली रहूँ और वहाँ पे मुझे कोई इंटरप्ट करने वाला ना हो. ठीक है, अकेली मैं वहाँ रहूँ. सेकंड स्टैंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. तो यहाँ पे जो उसके पेरेंट है वो कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, और मैंने तो सोचा था कि तुमने अपने शूज को भी क्लीन कर लिया होगा, लेकिन शायद उसने ये सब कुछ नहीं किया है. तो अब क्या कहती है वो कि आई एम एन ऑफन, कि मैं एक अनाथ हूँ जो स्ट्रीट में घूमे, और मैं अपने फीट से, अपने पैरों से जो कि क्वाइट हैं, उनसे डस्ट के पैटर्न बनाना चाहती हूँ, और मेरे लिए साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम जो है वो ज़्यादा स्वीट है. ठीक है, मतलब उसके लिए साइलेंस कहीं ना कहीं जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम उसके लिए ज़्यादा प्यारी है. तो यहाँ पे वो कहता चाहती है कि बेशक अगर मैं अनाथ भी होती तो शायद मुझे खुशी होती, कम से कम मैं फ्रीली अपनी जिंदगी को जी तो पाती. यहाँ पे फीलिंग शो की गई है कई सारे बच्चों की, जो कई बार ये सोचते हैं कि पेरेंट्स से अच्छा तो ये होता कि मेरा कोई पेरेंट ही नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नादानी वाली बात है, हमें उस एज में समझ नहीं आती है सारी की सारी चीज़ें, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है जब सिचुएशन हमारे हाथ में होती है और हम जब उस जगह पर अपने आप को रख के देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है. थर्ड स्टैंजा है गाइस, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. तो वो कहती है, उसकी पेरेंट कहते हैं कि भाई तुम अपने चॉकलेट मत खाओ, ध्यान रखो तुम्हारे पिंपल्स हैं, तुम्हारे एक्ने हैं चॉकलेट की वजह से, और जब भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके पापा या मम्मी जो भी बात कर रहे हैं, तो मेरी तरफ देखा करो. कई बार होता है ना बच्चे जब मतलब डांट रहे होते हैं पेरेंट्स तो सर नीचे झुका के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. अब यहाँ पे अमांडा क्या कहती है कि आई एम रैपंजल. रैपंजल एक कैरेक्टर है एक फॉक टेल का, जो कि एक गर्ल थी जिसके बहुत ही लंबे और सुनहरे बाल थे, और उसे एक विच ने एक टावर में कैद करके रखा था, और उसने अपने लंबे बालों की मदद से एक प्रिंस को टावर में चढ़ाया, और वहां से वो एस्केप करती है, उसे फ्रीडम मिल जाती है. तो वो कहती है कि मैं रैपंजल हूँ और मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मेरे लिए टावर की लाइफ ज़्यादा क्वाइट है और पीसफुल है, रेयर है, और मैं कभी भी आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं कभी भी उनको नीचे नहीं आने दूंगी, या मैं कह सकती हूँ कि कभी उनको कटने नहीं दूंगी, कभी मतलब अपनी फ्रीडम को. यहाँ पे ब्राइट हेयर उसकी फ्रीडम भी हो सकती है कि अपने फ्रीडम को कभी भी मैं खोने नहीं दूंगी. तो यहाँ पे वो ये कहना चाहती है. लास्ट में उसे बोला जाता है, स्टॉप दैट सल्किंग एडवांस अमांडा, सल्किंग इज वॉट रिफ्यूज टू स्पीक एंड रिफ्यूज टू टॉक टू एनी वन. तो वो कहती है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सल्किंग मत करो, ऐसा मत शो करो जैसे हमने तुम्हें डांटा है, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम कितनी मूडी हो, एंड एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा. कोई भी सोचेगा, पेरेंट कहते हैं कोई भी सोचेगा मैंने तुम्हें डांटा है या कंप्लेन किया तुम्हारी या तुमने कुछ बोला है. तो ये ओवरऑल हमारी पोयम है जिसके पोएट का नाम है रॉबिन क्लैन. देखो, आज़ादी किसको नहीं चाहिए, हर एक इंसान को आज़ादी चाहिए, हर एक जानवर को आज़ादी चाहिए, हर एक पक्षी को आज़ादी चाहिए, किसको आज़ादी नहीं चाहिए, सबको आज़ादी प्यारी होती है. भाई आपको आज़ादी प्यारी नहीं है? सोचो, अगर आपको एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर उसी के बारे में बात हो रही है, फ्रीडम के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे जो ट्री है
उसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एडरियन रिच ने लिखी है, कंटेम्प्रेरी वुमेन राइटर थी, वुमेन की मूवमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया अमेरिका के अंदर, और फेमिनिज्म को काफ़ी सपोर्ट किया, वुमेन राइट, वुमेन एम्पावरमेंट को, ठीक है। तो ट्रीज यहाँ पे वुमेन को भी सिंबलाइज करते हैं जिनको फ्रीडम की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला स्टेंजा अब स्क्रीन पे अवेलेबल होगा आपके सब, ठीक है। तो देखते हैं पहला स्टेंजा क्या है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब कि जो ट्रीज घर के अंदर हैं, एक घर के अंदर ट्रीज हैं, वो अब कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। कौन से फॉरेस्ट में जा रहे हैं, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, मतलब उस फॉरेस्ट में जा रहे हैं जो मतलब एम्प्टी हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, बचेगा क्या। वी आर नो बर्ड कुड सिट, ये फॉरेस्ट जो खाली हो चुका है, यहाँ कोई बर्ड नहीं बैठ सकती, कोई इंसेक्ट नहीं छुप सकता। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, यहाँ तक कि जो सन है वो भी अपने पैरों को नहीं छुपा सकता। जैसे फॉरेस्ट होता है तो जो सन की रोशनी है पेड़ों से छुप जाती है ना, तो एक तरीके से ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है यहाँ पे कि सन छुपा नहीं सकता अपने पैरों को। एक फॉरेस्ट ऐसा हो गया, खाली हो गया, तो द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, ये फॉरेस्ट एम्प्टी थे लेकिन अब मॉर्निंग तक वो वापस भर जाएंगे, क्योंकि जो घर के अंदर के पेड़ है, जंगल के अंदर जो घर है उसके अंदर के पेड़ जो है वो बाहर जा रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी पूरी रात जो रूट्स हैं पेड़ों की वो वर्क करती हैं अपने आप को डिसएंगेज, मतलब अलग करने के लिए, किससे, फ्रॉम द क्रैक्स, मतलब जो घर के क्रैक्स वो हैं, फ्लोर है उसमें से जो क्रैक्स हैं वहाँ से जो रूट्स हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं वरांडा फ्लोर में जो है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, की जो लीव्स हैं ट्री के वो फोर्स लगा रहे हैं ग्लास पे, और स्मॉल ट्विग्स, स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस जो है, छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो भी विद एक्सर्शन फोर्स लगा रही हैं, दबाव बना रही हैं, ठीक है, कांच पे, ऐसे ग्रीन हाउस की बात हो रही है यहाँ पे जो कांच से बना हुआ होता है। लॉन्ग क्रैप बो के ब्रांचेस है लॉन्ग, शफलिंग अंडर द रूफ, वो रूफ के नीचे शफल कर रही हैं, मुड़ते जा रही हैं और फोर्स लगा रही हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यहाँ पे ब्रांचेस को पेशेंट से कंपेयर किया गया, सिमिली का यूज हुआ है यहाँ पे, जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है ना जो हॉस्पिटल के दरवाजे से निकलना चाहता है, वैसे ये ब्रांचेस भी निकलना चाहती हैं उस कमरे से। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, ठीक है, तो वो हाफ डेज मतलब जैसे पेशेंट हाफ रिकवर निकलना चाहता है वैसे ये पेड़ भी निकलना चाहते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, थर्ड स्टैंजा है, तो पॉइंट कहता है कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, वरांडा में बैठा हुआ हूँ, लंबे लंबे लेटर्स लिख रहा हूँ, इन विच मैं मेंशन नहीं कर रहा है इस सबके बारे में जो हो रहा है घर के अंदर, वो ऑब्जर्व कर रहा है, द पॉइंट इज अ कीन ऑब्जर्वर, और ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, की जो डिपार्चर फॉरेस्ट का घर में से हो रहा है बाहर की तरफ, मैं उसको नहीं मेंशन कर रहा। नाइट फ्रेश है, मून जो है वो शाइन कर रहा है, और स्काई जो है वो ओपन है, और जो लीव्स है और जो लिचन, मतलब जो आपके पैचेस होते हैं, क्रस्टी पैचेस पेड़ के तने के ऊपर होते हैं, वो जैसे मानो उनकी जो स्मेल है ना, वो मेरे लिए वॉइस की तरह है जो आपस में बातें कर रही हैं कि आप हमें निकलना है यहाँ से, बस निकलना है, आप खत्म करना है सब। लास्ट स्टैंजा, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मतलब जो फुसफुसाने की आवाज है लीव्स की और लिचन की, इन सब की, तो ये जैसे मानो आपस में बातें कर रहे हैं, इनकी विस्पर फुसफुसाने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। पॉइंट कह रहा है कि विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये आवाज कल साइलेंट हो जाएगी, क्यों क्यों हो जाएगी भाई साइलेंट, क्योंकि सारा का सारा फॉरेस्ट चला जाएगा घर के अंदर से बाहर। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब ग्लास के ब्रेक होने की आवाज आ रही है क्योंकि वो काफी फोर्स लगा रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मतलब मूविंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, विंड रशेस टू मीट देम, और जो विंड है वो उनसे मिलने वाली है ग्लास के टूटने के बाद, और फिर मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब एक मून जो है बाहर का उसे मिरर से कंपेयर किया गया है कि जो मून है वो टूट गया, जैसे मानो मिरर मिरर टूट जाता है तो वो ग्लास टूटा होगा, ठीक है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो मून के पीसेस हैं वो जो ओक ट्री होता है सबसे ऊंचा फॉरेस्ट के अंदर, उसके अंदर एक क्राउन मतलब पीसेस टूटे हुए नजर आते हैं। होता क्या है कि टॉलेस्ट ओक होता है उसकी जो शेड होती है अलग अलग, ठीक है, तो जहां गैप होता है उन गैप के अंदर अगर आप गैप से ट्री मून को देखोगे तो वो अलग अलग टूटा नजर आएगा, आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से जो ग्लास है उसके टूटने पर वो मून जो है उसकी रिफ्लेक्शन ग्लास में भी टूटी हुई नजर आती है, जैसे टॉलेस्ट ओक में नजर आती है। तो यहां पे ओवरऑल विमेन से कंपेयर किया जा रहा है, ट्रीज को सिंबलाइज किया जा रहा है, जहां पे विमेन को फ्रीडम की जरूरत है, जिनको चार दीवारी में क्या कर रखा है, बांध के रखा हुआ है, बाउंड कर रखा है, और उन्हें बाहर जाना है, तो वो पूरा फोर्स लगा रही है, अपना दमखम लगा रही है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको बाउंड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे जाके क्या होगा, वो इन दीवारों को तोड़ देंगी, वो इन बैरियर्स को खत्म कर देंगी। तो आई होप गाइस आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। और ये पोयम जो है इसका नाम है फॉग, जो आप करने वाले हैं आज, और शुरू होते ही खत्म हो जाती है पोयम, बहुत ही छोटी सी है, टोटल 6 लाइंस की पोयम है, तो मजाक हो रहा है क्या यार यहाँ पे, लेकिन कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है तो यार कुछ तो होगा इसमें। तो इसका जो स्टेंजा है वो स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, आप अपनी बुक को भी खोल सकते हैं और इस पोयम को जल्दी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो गाना सुना ना, छोटा बच्चा समझ के हमको ना आकर दिखाना रे, ऐसी छोटी पोयम समझ के इसको हल्के में ना ले जाना रे, कुछ भी आ सकता है बोर्ड में, सीरियस हो जाओ। तो पहली लाइन है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग किसको कहते हैं आपको पता है, कोहरे को कहते हैं, मिस्ट को कहते हैं, कि जो फॉग है वो कैट के फीट पे आता है, तो कैट अगर आपने कभी उसे आते हुए देखा हो तो आप देखना उसके कदमों की कोई आवाज़ आती है, नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे ही फॉग जब आता है तो पता ही नहीं चलता फॉग कब आया और कब गया, ऐसे ही कैट का भी पता नहीं चलता कब आई कब गई, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं होती। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, जिस तरीके से कैट जो है वो देखती है फिर ऑब्जर्व करती है बेड के नीचे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के चीज़ों को, ऐसे ही फॉग भी हार्बर के ऊपर सिटी के ऊपर सेटल हो जाता है और सब कुछ जैसे मानो बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो,
ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब विद नीज बैंड, जैसे कैट नीज को बैंड करके देखते रहती है सब कुछ, वैसे ये जो फॉग है ये भी सेटल होकर हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है और वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई है कार्ल सैंडबर्ग ने एक कैट और फॉग के बीच में, कि किस तरीके से जो फॉग है और कैट है वो दोनों साइलेंटली आते हैं और साइलेंटली डिपार्ट हो जाते हैं और साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला तो ये लिखा है कि भाई व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, तो फॉग इज लाइक अ कैट। दूसरा है हाउ डज द फॉग कम, तो फॉग कम्स लाइक अ कैट। थर्ड, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, इट सिट्स लुकिंग, में कैट भी हो सकता है इट, ठीक है। फोर्थ है, डज द पॉइंट एक्चुअली सी दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, फाइंड थ्री थिंग्स, तो साइलेंट अराइवल, साइलेंट डिपार्चर और ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत ही छोटी सी पोयम है, ठीक है, लेकिन इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। इस मेटाफर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से। जब एज और लाइक की मदद से हम किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से करते हैं तो वो तो सिमिली होती है फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन हम जब एज और लाइक से नहीं करते, डायरेक्टली कह देते हैं कि दिस इज दिस, तो वो मेटाफर होता है। जैसे मैंने बोला अभी एक पोयम पढ़ी थी हमने पहले ट्रीज की, तो उसमें आपने देखा था कि द बोज दे वर कंपेयर्ड विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो वहाँ लाइक वर्ड आ रहा था तो सिमिली थी, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि ब्रांचेस आर न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो लाइक ये सब नहीं आ रहा ना कंपेरिजन के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, मेटाफर हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो बोला गया है ना कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है फॉग का कैट से, तो ये आपका मेटाफर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पोयम अच्छी लगी होगी, और ये पोयम जो है इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही सिमिलैरिटीज पढ़ लेना अगर आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो गाइज कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो शायद आप कहेंगे कि आपके पेरेंट्स आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस पोयम के अंदर हमारे को यही बताया गया है कि हमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है और अनबायस्ड लव हमारे को कौन करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो पोयम में क्या लिखा है, दिस पोयम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन एंड व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, मतलब एक यंग मैन और एक यंग वुमन के बीच में ये कन्वर्सेशन है और वो दोनों एक चीज को लेके बहस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब एक यंग मैन जो है वो बोल रहा है, हो सकता है कि वो अपनी बिलावेट को बोल रहा है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि कभी भी कोई यंग मैन जो है जो डिस्पेयर में चला गया है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है, या जो कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर जो है, रैम्पैट्स जो है, रैम्पैट्स मतलब जो बालों के जो लटे हैं तुम्हारे ईयर्स के पीछे, जो एक यंग मैन है उनकी वजह से डिस्पेयर हो चुका है, डिस्ट्रेस्ड हो चुका है, परेशान हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है, तो वो मैन जो है, वो यंग मैन जो है तुम्हारे ईयर पे जो रैम्पैट्स हैं वो उनसे प्यार करता है और सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वो कभी भी तुम्हारे से प्यार नहीं करता बल्कि वो तुम्हारे रैम्पेट्स को प्यार करता है। मतलब एक मैन जो है, एक यंग मैन जो है एक वुमन को बोल रहा है कि अगर कोई भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है तो उसका एक कारण जो है वो ये है कि तुम्हारे जो रैम्पेट्स हैं हनी कलर्ड गोल्डन वो बहुत ही खूबसूरत है, तो कोई भी अगर अट्रैक्ट होता है तो वो उनसे अट्रैक्ट होता है, प्यार करता है तो वो उनको प्यार करता है, तुम्हारे से प्यार नहीं करता, एंड नॉट योर येलो हेयर, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में क्या बोला उसने, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब यहाँ पे जो बिलवेड है, जो वुमेन है, यंग वुमेन, वो बोल रही है कि अगर ऐसा है तो मैं अपना हेयर डाई करा लूंगी, वहां पे कोई कलर लगवा लूंगी, ब्राउन, ब्लैक या कैरेट, तो जो यंग मैन डिस्पेयर में है वो मेरे से प्यार करेगा और मेरे येलो हेयर से मतलब गोल्डन हेयर से प्यार नहीं करेगा, मेरे रैम्पेट से प्यार नहीं करेगा जो मेरे ईयर के पीछे है। तो इतने में यंग मैन वापस उसे रिप्लाई करता है और कहता है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने एक साधु को बोलते हुए सुना था, मैंने एक रिलीजियस मैन को बोलते हुए सुना था, बट yesterday night declare, मतलब उसने रात को declare करा था, ये announcement की थी कि he had found a text to prove, third stanza ये कि उसने एक text find किया है, मतलब हो सकता है कि कोई sacred या कोई religious book होगी, कोई scripture होगा जहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, that only God, my dear, कि सिर्फ एक God ही है, भगवान ही है, could love you for yourself alone, जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे येलो हेयर से नहीं करता। तो यहाँ पे बोला गया है कि there is no one in this world, in this universe, who could love you for yourself alone, but there is only one, मतलब कोई तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करेगा, किसी ना किसी रीजन के साथ प्यार करेगा, लेकिन सिर्फ भगवान है जो हमारे को बिना किसी रीजन के प्यार करेगा और सिर्फ हमसे प्यार करेगा। तो मैं जानना चाहता हूं यहां पे जो ये पोयम है विलियम बटलर यीट्स की, इससे आपको क्या मैसेज मिला, रही बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की, तो स्टैंजा में जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मेरे नोट्स में अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सच है कि सिर्फ भगवान ही हमसे प्यार कर सकता है और बाकी जितने भी लोग हमारे से दुनिया में प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे लाइफ पार्टनर हो या कोई भी हो, तो वो हमारे लिए, हमारे को किसी ना किसी रीजन से प्यार करता है, सिर्फ हमारे को नहीं करता बल्कि शायद हो सकता है हमारे पैसे से या हमारे करियर से या किसी और चीज से प्यार करता हो। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन जरूर करें। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये पोयम जो है वो एक बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड क्या होता है, बेसिकली एक सॉन्ग होता है, अ पोयम कम सॉन्ग दैट कैन बी कॉल्ड एज बैलेड, ठीक है, जिसमें हम एक स्टोरी को नरेट करते हैं और करेज और हीरोइज्म के ऊपर होती है, जैसे कि ये पोयम भी हीरोइज्म के ऊपर है, हीरोइज्म का मतलब होता है जहां पे ब्रेवरी दिखाई जाती है, ठीक है, और एक ह्यूमरस पोयम भी है, ह्यूमरस का मतलब होता है कि जहां पे थोड़ी सी कॉमेडी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा है,
बैलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस. ठीक है, तो बैलिंडा नाम की लड़की है जो व्हाइट हाउस में रहती है, उसके साथ में उसकी एक छोटी सी किटन और एक छोटा सा माउस भी रहता है और एक येलो कलर का डॉग भी रहता है, और वो सारे के सारे एक रेड वैगन में ट्रैवल करते हैं. वैगन घोड़ा गाड़ी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसके जानवर हैं, स्पेशली उसका जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो उसको पुल करता है. और रियली ट्रूली मतलब रियली ट्रूली एक पेट ड्रैगन होता है जो उसके साथ रहता है. सेकंड सेंस है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंग एंड द लिटिल ग्रे माउस ही कॉल्ड हिम ब्लिंक. मतलब अब यहाँ नेम्स बताए गए हैं कि किटन का नाम इंग था, माउस का नाम ब्लिंक था, डॉग का नाम मस्टर्ड है जो कि शार्प होता है काफी ज्यादा, और ड्रैगन जो होता है वो कावर्ड मतलब डरपोक होता है जो कि कस्टर्ड है. तो यहाँ आयरनी को यूज किया गया है मतलब अपोज्ड एज इट इज शोन, क्योंकि ड्रैगन स्पेशली जाना जाता है अपने फ्रॉशियस बिहेवियर के लिए, या मैं कहूँ गुस्से के लिए या ब्रेवरी के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे कावर्ड बोला गया है. एंड कस्टर्ड द ड्रैगन, नेक्स्ट स्टैंजा है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन बताया कि उसके शार्प टीथ होते हैं, उसकी जो नेक होती है वहाँ पे कीले होती हैं जैसे ड्रैगन्स के, आपने देखा होगा कभी मूवी या किसी में, और उसका माउथ फायर प्लेस की तरह होता है, उसकी नोज चिमनी की तरह होती है जिसमें से धुआं निकलते रहता है, और साथ में उसके जो नाक अंगूठे होते हैं नीचे टोज जो होते हैं उस पर जो नाखून निकले होते हैं वो तलवार की तरह होते हैं, डैगर्स की तरह होते हैं. फोर्थ स्टैंजा, बैलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. मतलब बैलिंडा बहुत ज्यादा ब्रेव है, उसकी पूरी टोली उसका पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा ब्रेव है, और जो इंक और ब्लिंक है वो तो इतने ज्यादा ब्रेव है कि वो लायन को भी चेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. मस्टर टाइगर से भी ज्यादा ब्रेव है, एक टाइगर जितना ब्रेव होता है उतना गुस्से में, और कस्टर्ड जो है वो डरपोक है, उसे कीट चाहिए होता है. नेक्स्ट स्टैंजा है, बैलिंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. मतलब बैलिंडा उसको गुदगुदी करती रहती है, कई बार छेड़ती रहती है, परेशान करते रहती है. इंक ब्लिंक मस्टर्ड उसको परसीवल कहते हैं, जो कि किंग आर्थर के यू नो किंगडम का एक नाइट था, योद्धा था, और वो सारे हंसते रहते हैं रेड वैगन में बैठ के कवर्डली ड्रैगन के ऊपर. नेक्स्ट स्टैंजा है, बैलिंडा गिगल टू शी शूक द हाउस. मतलब बैलिंडा हंसती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा जो घर है वो हिल नहीं जाता, और ब्लिंक कई बार वीक कह के उसको डरा देता है. मतलब माउस जो है वो वीक बोलता है जो हंस रहा होता है उस तरीके से, और वो उसको कई बार डरा भी देता है. और इंक और मस्टर्ड उसे एज भी पूछते हैं उसकी कि तुम्हारी एज क्या है कस्टर्ड बताओ, और कस्टर्ड हर वक्त रोते रहता है अपने एक नाइस सेफ केज के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा है, सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड. इतने में उन लोगों को एक बहुत ही बैड साउंड सुनाई देता है. मस्टर्ड जो है वो धीमी आवाज के अंदर थोड़ा सा गुर्राता है, और सारे देखते हैं कि कौन होगा, और इंक जो है वो म्याउच बोलती है और बैलिंडा ऊ बोलती है, जो कि थोड़ा सा डिस्ट्रेस का, मैं कहूँ फियर का एक साइन है. यहाँ पे एक पायरेट होता है जो विंडो की तरफ से आ रहा होता है, विंडा मतलब विंडो को यहाँ रेफर किया गया है. नेक्स्ट स्टैंजा है, पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड पिस्टल इज राइट. मतलब उसके पायरेट के लेफ्ट हैंड में, पायरेट मतलब समुद्री डाकू, उसके राइट और लेफ्ट हैंड में पिस्टल होती है. उसके दांतों के बीच में एक कटलस होता है, कटलस क्या होता है, एक शॉर्ट स्वॉर्ड होती है, और उसकी बियर्ड ब्लैक होती है, उसका एक टांग नकली होता है वुड का, और साफ साफ उसको देख के समझ में आ रहा होता है कि वो पायरेट इतना अच्छा नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, बुरा इंसान है, कुछ बुरा करने वाला है. नेक्स्ट स्टैंजा, बैलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. मतलब बैलिंडा जो है वो काफी परेशान हो जाती है और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प, और मस्टर्ड वहां से भाग जाता है. इंक जो होता है वो अपने बिल में घुस जाता है, और जो ब्लिंक है जो इंक है वो हाउस होल्ड में घुस जाती है जो किटन है, और ब्लिंक अपने चूहे के बिल में छिप जाता है. मतलब जो भी लोग अपने आप को ब्रेव बता रहे थे वो सारे के सारे छुप जाते हैं अलग अलग जगह. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा है, बट अब जम कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन क्लैश स्टेक लाइक आयरन इन अ डंजन. मतलब इतने में कस्टर्ड आता है जम करके, एक इंजन जैसे आवाज कर रहा होता है उसकी तरह, और अपनी जो टेल है वो उसको एक यू नो आयरन की तरह घुमाता है, जैसे डंजन में प्रिजन में लड़ते हुए योद्धा करते हैं, और बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ वो जैसे एक वॉर्म पे एक जो रॉबिन है एक बर्ड है अटैक करता है, उस तरीके से वो पायरेट पे अटैक करता है. यहाँ जैंगलिंग का मतलब टू मेक अ नॉइज होता है, और उसको हम मूविंग अराउंड होता है. द पायरेट गेव दैट बैलिंडाज ड्रैगन. नेक्स्ट स्टैंजा, अब जब वो ऐसा करता है तो जो पायरेट है वो ड्रैगन की तरफ देखता है घूर के, और अपने ग्रॉग से मतलब एक कंटेनर होता है उसके पास पॉकेट फ्लैगन, उसमें से कुछ ग्रॉग मतलब कुछ वाइन या कुछ होगा नशीला वो पीता है, और ही फाइट टू बुलेट्स मारता है उसको, लेकिन वो कस्टर्ड के लगती नहीं, और कस्टर्ड उसको खा जाता है एवरी बिट, पूरे तरीके से खा जाता है उसको. नेक्स्ट स्टैंजा है, बैलिंडा एम्ब्रेस्ड. मतलब बैलिंडा जो है वो उसको एम्ब्रेस कर लेती है, मस्टर्ड उसको चाटने लगता है. कोई भी पायरेट के लिए दुख नहीं मनाता, इंग और ब्लिंक जो है वो खुशी के मारे ग्ली मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और गायरेट मतलब मूविंग इन सर्कल, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं खुश होकर, और वो बहुत खुश होते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा है, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. अब इतने में मस्टर्ड कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं बताता इसको, और इंक और ब्लिंक भी ये कहते हैं कि हम भी थ्री टाइम्स ब्रेव हैं जैसा हम मानते हैं उतना, और कस्टर्ड कहता है कि मेरे को तो भाई सेफ केस चाहिए, मैं तो डरपोक हूँ. तो यहाँ पे एक्चुअली मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो लोग हर वक्त अपने आप को बोस्ट करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना ठिकाना कर दूंगा, तो एक्चुअली में समय आने पे पीछे हट जाते हैं, और जो लोग शांत रहते हैं, जो लोग शो ऑफ नहीं करते, वो एक्चुअली में आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं जो आपके टाइम आने पे मदद करते हैं. तो जस्ट डोंट गो आफ्टर दोज पीपल हु जस्ट यू नो ओनली बोस्ट देमसेल्फ देयर एबिलिटीज एंड दे एक्चुअली आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एवर. ठीक है, बैलिंडा स्टिल लिव्स. अब नेक्स्ट टाइम है, बैलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है अपनी किटन के साथ, अपने माउस के साथ, और एक डॉग के साथ रेड वैगन में, और रियलियो ट्रूलियो बैड ड्रैगन रियलियो ट्रूलियो रियली ट्रूली. और लास्ट स्टैंजा है, बैलिंडा ब्रेव होती है. सेम देखो रिपीट कर रखा है पूरा का पूरा स्टैंजा. तो यही है, इसके राइटर का नाम ऑग्डेन नाश है. तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी.